तो AS10 रिवाइज करता है एकदम फटाफट में, ठीक है, फास्ट ट्रैक वे में। क्या करेगा, इसमें से सारा इलस्ट्रेशन कवर कर लेगा, स्टडी मेट का जितना भी इलस्ट्रेशन है वो, रिसेंट RTP और प्रीवियस दो अटेम्प्ट्स का RTP। और उसके बाद तुम लोगों को स्पेसिफिक डाउट रहेगा तो मेरे को बता देना। आई होप कि तुम लोग एक बार AS10 पढ़ रखा है, ठीक है। AS10 ऐसा कोई है नहीं, आप लोग बिना मतलब डरता है कि बड़ा है बड़ा है बड़ा है, इसको लॉजिकली सेगमेंट्स में डिवाइड कर दोगे ना तो AS10 बहुत ईजी हो जाएगा। आप भूल जाओ कि ये कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बचपन में आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था, राइट? डेप्रिसिएशन का चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, कोई भी बिजनेस में हम एसेट परचेज करते हैं तो वो धीरे धीरे सर्टेन सर्कमस्टेंसेस की वजह से डेप्रिशिएट होता रहता है। नाउ एसेट्स दो तरह का होता है, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। तो सबसे पहले क्लासिफाई करना कि किस टाइप का एसेट्स मेरा डेप्रिशिएट होगा और किस टाइप का एसेट्स को मुझे पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर देना है, राइट? तो इसीलिए AS10 सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता है, बोलता है कि बिजनेस में आप कोई भी एसेट परचेज करो तो उसको आप AS10 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले इस AS का नाम होता था फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, पहले इसको बोला जाता था फिक्स्ड एसेट्स, AS10 बोल के फिक्स्ड एसेट्स होता था एंड AS6 बोल के डेप्रिसिएशन होता था। AS10 फिक्स्ड एसेट्स था और AS6 डेप्रिसिएशन। अब इन दोनों को मर्ज करके जब आप CA फाइनल में जाओगे तो इसको बोला जाएगा इंड AS16, ठीक है, और इंटर लेवल में इसको आज भी बोला जाता है AS10। और कुछ नहीं है, आपको बस क्या पता करना है, दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मर्ज करके एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड एसेट को कवर किया गया। नाउ फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है, एनी टेंजिबल एसेट्स जो आपका फिक्स्ड है, राइट? तो यानी प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है, इक्विपमेंट समझ में आ रहा है, बट वहां पे प्लांट्स कवर नहीं हो रहे थे, प्लांट्स कवर नहीं हो पा रहा था AS10 में, इसीलिए इन्होंने अमेंडमेंट करके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेके आया। तो यानी सबसे पहले फिक्स एसेट समझना पड़ेगा कि बिजनेस में हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं कोई भी एसेट्स को फिक्स एसेट्स में। जैसे कि आप लोग एक मशीन खरीदता है, ठीक है, आप लोग एक टाइपराइटर परचेज करता है और आप लोग कैलकुलेटर भी परचेज करते हैं, बताओ क्या कैलकुलेटर को हम लोग फिक्स एसेट्स बोलता है क्या? कभी भी नहीं बोलेगा कैलकुलेटर को फिक्स एसेट्स। स्टिल कैलकुलेटर तो ऐसा नहीं है ना कि हम एवरी ईयर बिजनेस में चेंज करते हैं, मशीनरी एवरी ईयर तो परचेज नहीं करेंगे, तो ये हुआ तो ये दोनों लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। तो आप कैसे क्लासिफाई करें कि कोई पर्टिकुलर एसेट हमारे लिए फिक्स एसेट्स है या नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि कोई भी एसेट्स जो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब होता है फ्यूचर में हमें फायदा पहुंचाएगा, हमारे बिजनेस का ग्रोथ होगा, बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा। यदि आपको लगता है कोई भी ऐसा खर्चा, देखो एसेट एक्वायर करने का मतलब है एक्सपेंस, आपको एक्सपेंस करना ही पड़ेगा, चाहे छोटा खर्चा करो चाहे बड़ा खर्चा करो, इट्स एन एक्सपेंस। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिससे आपके बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, यानी बिजनेस का ग्रोथ होगा, बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा, बिजनेस का सेल्स बढ़ेगा, बिजनेस का इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उन सारे एक्सपेंडिचर को हम लोग कैटेगराइज करता है एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ट्रीट करता है अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज अ फिक्स। फिक्स एसेट्स में काउंट होगा भी या नहीं होगा, तो हम लोग को क्या देखना है, एक तो एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई कर सके एंड सेकेंडली हमें क्या चेक करना है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है या नहीं है, राइट? अब फिक्स एसेट्स क्या होता है, हम हमारे बिजनेस में यूज करते हैं, ना कि सेल करने के लिए। जैसे स्टॉक, हम लोग इन्वेंट्री परचेज करते हैं, स्टॉक परचेज करते हैं, बट हमारा मोटिव क्या होता है, उसको सेल करने का होता है ना। तो क्या बोल रहे थे अपन कि एसेट्स क्या होना पड़ेगा, एक तो नॉट फॉर सेल होना पड़ेगा, जैसे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी हमारे लिए बिजनेस में एसेट्स होता है, बट क्या हम लोग उसको यूज करने के लिए परचेज करता है या फिर सेल करने के लिए, सेल करने का मोटिव होता है। सो टू क्लासिफाई एनी एसेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी फॉर द यूज पर्पस, बिजनेस में यूज करेंगे, बट यूज करने का इंटेंशन भी क्या होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमने कोई एसेट खरीदा और हमारा इंटेंशन है कि हम 12 महीने के लिए यूज करेंगे,
इफ 12 मंथ्स के लिए आप उस एसेट को यूज करोगे देन इट विल नॉट बी कैटेगराइज एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी क्या होना पड़ेगा, एक तो सेल पर्पस के लिए नहीं होना पड़ेगा, सेकेंडली कम से कम लॉन्गर पीरियड के लिए यूज करने का इंटेंशन होना पड़ेगा हमारा, राइट। थर्डली इट शुड बी टेंजिबल, इट शुड बी टेंजिबल, इनटेंजिबल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कवर करता है। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल नॉट कवर द इनटेंजिबल एसेट्स। सो टू डेफिनेशन ऑफ पीपी क्या है अपना, कोई भी टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज है, यूज ध्यान रखना, यूज नॉट फॉर सेल। अब यूज कहीं पे भी करो बिजनेस में, जैसे कि बिजनेस के अंदर में आपका कैंटीन होता है, कैंटीन में कॉफी मशीन होता है, तो कॉफी मशीन क्या हो गया, कॉफी मशीन तो सेल्फ कंजम्पशन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है आपका, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपके लिए फिक्स एसेट्स हो सकता है। इज इट क्लियर। तो आप बिजनेस में कहीं पे भी यूज करो, प्रोडक्शन के लिए यूज करो, गुड सप्लाई करने के लिए यूज करो, सर्विसेज रेंडर करने के लिए यूज करो, भाड़े पे रेंटल में देने के लिए आप उस एसेट को यूज करो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट इट शुड बी फॉर यूज होना चाहिए। तो एग्जाम में ध्यान रखना कि इफ कोई भी खर्चा आपने किया है वो एसेट का कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन इफ वो फॉर सेल पर्पस है, अप्लाई वो सेल पर्पस है, तब हम लोग उसको करेंगे। पीपीई में क्लासिफाई नहीं करेगा। इज इट क्लियर, ठीक है यहां तक, कोई दिक्कत? अब देखो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ पीपी, एक बार फिर से रीड कर देता हूं। टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज नॉट फॉर सेल इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर रेंटल पर्पस। रेंटल पर्पस जैसे कि हायर परचेज, बड़े बड़े क्रेन्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, परचेज करते हैं उन क्रेन को, फिर उसको रेंट पर्पस के लिए यूज करने के लिए देते हैं दूसरे दूसरे बिल्डर्स को, तो वो हो गया रेंटल पर्पस। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हम लोग ऑफिस में इन हाउस यूज कर रहे हैं उसको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर परचेज किया, पर्सनल एंड अदर फंक्शंस के लिए एचआर वाले लोग यूज कर रहे हैं, तो अपने इन हाउस यूज करने के लिए भी आपने परचेज किया है, देन ऑल्सो इट विल बी कैटेगराइज एज पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इज इट क्लियर। अब क्या बोल रहा है ये एएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस पे एप्लीकेबल नहीं है। दिस एएस इज नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एसेट। ऐसे तो देखो इस एएस का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स, ठीक है, लैंड बिल्डिंग सब हो गया, इक्विपमेंट मतलब प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गए, लेकिन प्लांट, प्लांट का मतलब होता है पौधा वगैरह, राइट, पेड़ वगैरह, तो बोलता है प्लांट कवर तो किया गया है लेकिन बायोलॉजिकल प्लांट को कवर नहीं किया गया है। बायोलॉजिकल प्लांट्स का मतलब होता है जो प्लांट हम ग्रो करते हैं और एज इट इज सेल कर देते हैं, उससे जो प्रोड्यूस मिल रहा है उसको सेल नहीं कर रहे, हम उस प्लांट को ही सेल कर रहे हैं, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये ध्यान रखना, बायोलॉजिकल एसेट कोई भी प्लांट जो कट करके सेल करते हैं, जैसे कि वीट, काउस फॉर अमूल, ठीक है, लंबर ट्रीज जो जिससे रबड़ वगैरह बनता है, तो वो सारा एज इट इज एक्सट्रैक्ट करके हम लोग क्या कर देता है, सेल आउट कर देता है, तो वो सब बायोलॉजिकल एसेट्स है रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, लेकिन इसके अंदर में बियरर प्लांट विल बी कैटेगराइज्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नाउ व्हाट डू मीन बाय बियरर, बियरर का मतलब ऐसा प्लांट जो अपने आप कुछ प्रोडक्शन करेगा, जैसे कि मैंगो ट्री। मैंगो ट्री क्या है, एक प्लांट है, लेकिन उस ट्री के अंदर मैंगोज लगते हैं, तो वो मैंगोज क्या हो गया, उसके लिए प्रोड्यूस हो गया, तो दैट्स व्हाई मैंगो ट्री विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इज इट क्लियर। तो ध्यान रखना बायोलॉजिकल एसेट्स आपका पीपीई में कवर नहीं होता, वेयर एज बियरर प्लांट कवर होता है। बायोलॉजिकल एसेट्स का मतलब वो प्लांट्स जो हमने ग्रो किया है और एज इट इज
कट करके सेल आउट कर देंगे। इज इट क्लियर? अब किसके ऊपर और एप्लीकेबल नहीं होता? वेस्टिंग एसेट्स इंक्लूडिंग, अब ये सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके इनटेंजिबल एसेट्स है। और ऊपर में ही हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि पीपीई का मतलब होता है टेंजिबल आइटम्स, यानी जिस आइटम्स को हम लोग देख सकता है, छू सकता है, फील कर सकता है, उसी के ऊपर में AS10 एप्लीकेबल है। यानी ऐसा कोई एसेट दो आपके बिजनेस में इकोनॉमिक बेनिफिट लेके आएगा, बट आप उसको टच नहीं कर सकता, सिर्फ फील कर सकता है। उस कंडीशन में उसके लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहां पे उसको डील किया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, यानी AS10 डज नॉट अप्लाइज टू वेस्टिंग एसेट्स इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, एक्सपेंशन ऑन द एक्सप्लोरेशन फॉर एन एक्सट्रक्शन ऑफ मिनरल्स। मतलब जमीन के नीचे में जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको राइट्स चाहिए होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो वो जो राइट्स मिलता है पेपर में, राइट्स कोई एसेट नहीं है, जस्ट आपको एक पावर है, राइट? तो उसी के लिए वो एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है। दैट्स व्हाई वी विल नॉट ट्रीट अंडर AS10, वी विल ट्रीट अंडर AS26। ध्यान में रहेगा कि AS10 किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहले अपने को AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ने से पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि एसेट मैं कौन से खर्चों को एसेट मानूंगा, ठीक है, वो दिमाग में आना चाहिए। सेकेंडली, कौन से एसेट्स को मैं पीपीई नहीं मानूंगा, राइट? अब मेरे लिए पीपी कौन सा होता है? बिजनेस के अंदर कोई भी टेंजिबल एसेट जो मैंने यूज करने के लिए रखा है, सेल करने के लिए नहीं रखा। अब यूज जहां मन चाहे वहां करो, चाहे प्रोडक्शन के लिए करो, सप्लाई के लिए करो, सर्विसेज देने के लिए करो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए करो, या रेंटल पर्पस के लिए करो। इज इट क्लियर? अब ये एसेट जो है मैंने क्लासिफाई तो कर लिया, लेकिन कौन सी एसेट AS10 के अंडर नहीं आएगा? बायोलॉजिकल एसेट्स, लेकिन उसमें बियरर प्लांट आएगा। बियरर प्लांट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैंगो ट्री। इज इट क्लियर? एंड कोई भी इनटेंजिबल एसेट्स मेरा AS10 कवर नहीं करेगा, उसके लिए AS26 है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? अब AS10 किस पे लगता है? AS10 अप्लाइज टू बियरर प्लांट, लेकिन जो मैंगोज, मैंगो ट्री में जो मैंगोज निकले हैं ना, मैंगोज के ऊपर AS10 नहीं है। वो मैंगो तो क्या है, उसको तो सेल करना है मुझे, तो वो मेरा एसेट नहीं होगा अंडर पीपीई। कौन सा होगा? मैंगो ट्री विल बी टर्म्ड एज अवर एसेट, उसका डेप्रिसिएशन वगैरह करना हम लोग सीखेगा। इज इट क्लियर? एक बार हमने क्लासिफाई कर लिया कि ये मेरा पीपीई बनेगा, तो पीपीई क्लासिफाई करने के लिए AS10 आपको बोलता है आप दो चीज चेक करो। पहला तो जितना खर्चा आपने किया है क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या इन मनी टर्म्स में, ठीक है? एंड दूसरा, क्या उससे, उस एक्सपेंस से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा या नहीं होगा? इट इज इररिलेवेंट एक्सपेंस कितना बड़ा है। कभी कभी बहुत बड़ा खर्चा लेकिन उसका बेनिफिट सिर्फ एक साल का ही होता है, तो हम लोग उसको पीपीई कैटेगराइज नहीं करेगा। जैसे कि हो सकता है कि आपने 10 लाख का रिपेयर करवाया अपने मशीन में, लेकिन उससे मशीन का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुआ। एंड समटाइम्स आपने क्या किया, 5 लाख का मशीन में एक्सपेंस किया एंड उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, देन 5 लाख विल बी टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वो पीपीई कहलाएगा। वेयर एज 10 लाख जिससे आपका मशीन का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुआ विल बी टर्म्ड एज नॉर्मल एक्सपेंस, उसको आप करंट ईयर के पीएनएल में चार्ज कर दोगे। आई बात समझ में? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनता है और आपको हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लिख के आना पड़ता है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि कब हम हमारे बुक्स में एक पीपीई को रिकॉग्नाइज करेंगे, एक खर्चे को एज ए पीपीई कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, यानी बिजनेस को फायदा होगा इससे, एंड एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यानी दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या करेगा उस एक्सपेंस को एज अ पीपीई हमारे बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इज इट क्लियर? अब कोई भी AS उठा के देख लो, एक बार आपने खर्चा किया तो वो AS दो जगह बात करता है।
एस एक तो जिस टाइम आपने एक्सपेंस किया तब कैसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, एंड फिर ईयर एंड में कैसे रिकॉर्ड करोगे। सारे के सारे एस ऐसे ही सिखाते हैं अपने को कि पहली बार जब आपने खरीदा, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में भी वही था कि फर्स्ट टाइम जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो जितने में खरीदा उतने में रिकॉर्ड कर लो, बट ईयर एंड में हम हमारा इंटेंशन चेक करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा। सिमिलरली एसेट्स के लिए भी ऐसा ही होता है। जब हम एसेट्स बिजनेस में एक्वायर करते हैं उस टाइम हमें हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन उस कंडीशन में ये जो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट किया है हमने किस वैल्यू से करते हैं, जितने में हम खरीदते हैं, दैट इज कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना परचेज प्राइस नहीं, खरीदने का मतलब तो हो गया परचेज प्राइस, नो परचेज प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, ऑल द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक दैट एसेट वर्केबल और पुट टू यूज। जब तक कोई भी एसेट पुट टू यूज कंडीशन में नहीं आ जाता या वर्केबल कंडीशन में नहीं आ जाता तब तक जितना खर्चा आप करते हो दैट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। आई बात समझ में? तो फर्स्ट टाइम जब आप अपने बुक्स में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं तो हमेशा किस पे रिकॉर्ड करेंगे, एट कॉस्ट। और कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब सारे वो खर्चे जो उस एसेट को वर्केबल कंडीशन या पुट टू यूज में लाने तक लगा है मेरा। इज इट क्लियर? जैसे कि हमने एक एसी मशीनरी परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, जहां से परचेज किया वो था 10 लाख का। अब उस जगह से लेके हमारे ऑर्गेनाइजेशन तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया आपका 10,000 एंड इंस्टॉलेशन का खर्चा लग गया 50,000। तो द कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी 10,60,000 नॉट 10 लाख। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं जब तक पुट टू यूज नहीं हो जाता तब तक एसेट्स पे कोई भी खर्चा आप करोगे विल बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ पीपीई। लेकिन देर आर सर्टेन अदर एग्जांपल्स, जैसे कि आपने एक मॉल कंस्ट्रक्ट करवाया, आपने एक मॉल कंस्ट्रक्ट करवाया, मॉल बन के रेडी हो गया, राइट? और मॉल को कंस्ट्रक्ट कराने में आपका 50 करोड़ का खर्चा हुआ। नाउ अब उसको स्टार्ट करने के लिए आपने ओपनिंग सेरेमनी का फंक्शन किया, सेलिब्रिटी को बुलाया, पॉलिटिशियंस को बुलाया फीता कट करने के लिए, और थोड़ा खाना वाना डेकोरेशन म्यूजिक वगैरह किया, वो सब करने में आपका 5 लाख का कॉस्ट लग गया। टेल मी विल दिस 5 लाख बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मॉल? ऐड करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिकॉज मॉल ऑलरेडी वर्केबल कंडीशन में आ चुका था, पुट टू यूज हो चुका था। इफ अपन ओपनिंग सेरेमनी नहीं भी करता तब हम लोग मॉल को यूज कर सकता था ना, राइट? तो यही तो AS10 सिखाता है। AS10 बोलता है कि कौन सा एक्सपेंसेस लेना है, जब तक पुट टू यूज नहीं हो जाता तब तक का एक्सपेंस हम लोग एसेट की कॉस्ट में दिखाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन कोई भी ऐसा खर्चा आपने किया है जो आपको वापस मिल जाएगा, एसेट परचेज करने के लिए आपने कोई अमाउंट पे किया और वो अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा, तब वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही नहीं। कोई भी पैसा जो मेरे पॉकेट से गया और वापस मेरे पॉकेट में आ जाएगा कैसे कॉस्ट हो सकता है, वो मेरे लिए खर्चा है ही नहीं, राइट? जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, हम लोग एसेट खरीदेगा तो सामने वाला डीलर आपको बिल में GST लगा के देगा। नाउ GST इज अ रिफंडेबल टैक्स, GST इज अ रिफंडेबल टैक्स, तो वो टैक्स कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। एनी एक्सपेंसेस और एनी टैक्स विच इज रिफंडेबल विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसीलिए देखो मैंने लिखा कि कॉस्ट में क्या क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस का मतलब है वेट, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग एसेट्स टू इट्स वर्केबल कंडीशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, डीकमीशनिंग और रीस्टोरेशन कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीकमीशनिंग और रीस्टोरेशन कॉस्ट, बताओ मुझे।
डीकमीशनिंग मतलब वो हो गया ना कि अपन जब प्लांट सेटअप कराते हैं और आगे जाके अगर अपन तोड़फोड़ करते हैं, उस तोड़फोड़ का खर्चा अपन को प्रेजेंट वैल्यू में लिखना यस, एसेट इंस्टॉल करवाने के लिए आपको कभी कभी कुछ एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है। अब जिस दिन उस एसेट का लाइफ खत्म हो जाएगा या फिर आपके बिजनेस के लिए वो यूजलेस हो जाएगा, तो आपको वो स्ट्रक्चर भी ब्रेक करवाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर को ब्रेक करवाने में भी आपका कॉस्ट लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीकमीशनिंग या फिर रिस्टोरेशन कॉस्ट। लेकिन वो तो फ्यूचर में लगने वाला है, एसेट कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल यूज करेंगे, तो वो 10 साल 15 साल के बाद होने वाला खर्चा आज ही मुझे कॉस्ट में कंसिडर करना है। तो एक बात बताओ, 15 साल या 10 साल के बाद जो एक्सपेंस होगा आपका, उसको आज कंसिडर करने के लिए तो हमें प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं उस पैसे का, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फाउंडेशन में आपने सीखा था पुल करके लेके आते ना एन्यूटी फैक्टर से, तो डीकमीशनिंग या रिस्टोरेशन कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इज इट क्लियर? अब कॉस्ट में क्या क्या नहीं लेना है हम लोगों को, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू बिजनेस। जैसे कि आपका एक जगह में बिजनेस था और आप बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे जगह, तो दूसरा जगह शिफ्ट करोगे तो एसेट्स वगैरह भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपने एसेट्स को शिफ्ट किया, शिफ्ट करने में खर्चा लगा, तो बोलता है ये जो एक्सपेंस लगा ना, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि एसेट तो वर्केबल कंडीशन में ही था, आपने बिजनेस के लोकेशन को चेंज किया इसलिए एसेट को चेंज करना पड़ रहा है, तो वर्केबल में लाने के लिए जरूरी नहीं था वो। इज इट क्लियर? तो कभी भी आप नया बिजनेस शिफ्ट कर रहे हो तो अभी भी कॉस्ट नहीं बनेगा। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू बिजनेस का मतलब हो गया मॉल का ओपनिंग सेरेमनी का एग्जाम्पल, कि हम आप लोगों ने घर बनवाया, बहुत सुंदर सा घर बनवाया, फिर हाउस वार्मिंग सेरेमनी करते हो, तो हाउस वार्मिंग सेरेमनी का कॉस्ट घर की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, बिकॉज घर वर्केबल कंडीशन में था। आई बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू बिजनेस। कोई भी नया बिजनेस ओपन करने के लिए जो आप इनविटेशन कार्ड छपवाते हो, मिठाई बांटते हो, हवन करवाते हो, वो सब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। मार्केट में आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, जैसे आपने मशीन खरीदा, उस मशीन से नया प्रोडक्ट कोई बनाया है, ठीक है, अब उस नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा मार्केट में, प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा कि हमारा ये सुंदर सा, जैसे आजकल प्यूरो प्यूरो नमक का ऐड आता है, इस नमक को ब्लीच नहीं किया जाता, ये नमक प्योर है। इतने साल आप जो टाटा के नमक खाते थे बेवकूफ थे, हमने सारा का सारा घटिया नमक खा लिया है, अब हम सब खत्म हो जाएंगे। तो वो जो प्यूरो क्या कर रहा है, उन्होंने नया प्रोडक्ट बनाया है ब्रांड के नाम से, बस उसके मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट पीपीई की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज विल नॉट बी एडेड एज अ पार्ट ऑफ पीपीई। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, ये मैं डिस्कस कर चुका। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड खर्चा, यानी बिजनेस को रन करने के लिए आपने ऐसे ही छोटे मोटे खर्चे किए हैं, तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलोगे। यहां तक कोई दिक्कत की कॉस्ट? क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये समझा कि पीपीई होता क्या है, कोई भी टेंजिबल एसेट्स जो यूज करने के लिए है, सेल करने के लिए नहीं है, यूज कहीं पे भी करो, प्रोडक्शन के लिए करो, सप्लाई के लिए करो, सर्विसेज देने के लिए करो, रेंटल पर्पस के लिए करो, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर एक बार हमने खर्चा किया तो उस खर्चे को पीपीई मानू या नहीं मानू, ये सीखा। कैसे देखना है कि देखो क्या उस एक्सपेंस से आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा क्या, एंड दोनों कंडीशन साथ में। दूसरा कंडीशन क्या है, क्या आप उस खर्चे को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, इफ यस तो उसको हम लोग एज ए पीपीई ट्रीट करेगा। अब पीपीई ट्रीट करने के लिए कितने रुपीज में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे हमारे बुक्स में, कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट का मतलब होता है सारा खर्चा जो पुट टू यूज तक लगता है, ऐसा कोई खर्चा जो पुट टू यूज तक लाने के लिए कंपलसरी नहीं था विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट में हम लोग को ध्यान रखना था डीकमीशनिंग कॉस्ट। डीकमीशनिंग कॉस्ट क्या होता है, जो फ्यूचर में स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने के लिए जो खर्चा लगने वाला है हमारा, वो है डीकमीशनिंग कॉस्ट। लेकिन वो तो फ्यूचर में लगेगा, आज रिकॉर्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू। आई बात समझ में? एंड कौन सा कॉस्ट पार्ट नहीं बनेगा, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसके लिए खर्चा किया, नहीं बनेगा। नया
बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए ओपनिंग सेरेमनी वगैरह करवा रहे हो तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह तो उसमें जो खर्चे हैं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। एंड नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन या जनरल ओवरहेड, वो आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो AS10 पहले तो मुझे ये बताता है इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करना है, फिर सारे AS मुझे ये बताता है सब्सिक्वेंट बाद में ईयर एंड में आप कैसे करोगे। तो AS10 बोलता है जब आप एसेट खरीदते हैं तब उसकी एक वैल्यू होती है, लेकिन धीरे धीरे यूज करते करते उसकी वैल्यू कम भी हो जाती है, इवन उसकी मार्केट रेट भी कम हो जाती है। तो प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इन्वेंट्री के साथ भी यही करते हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, राइट। तो इसीलिए AS10 ने बोला कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी सारी एसेट्स को ईयर एंड पे वैल्यू करना चाहिए, रीवैल्यू करना चाहिए, ठीक है। चेक तो करो जितनी वैल्यू की एसेट्स आपके बुक्स में आ रही है क्या वो फिजिबल है, क्या एक्चुअल में उसका मार्केट वैल्यू उतना ही है क्या। इफ नहीं है तो क्यों आप अननेसेसरी अपने बैलेंस शीट में हायर वैल्यू की एसेट्स दिखा रहे हो जब उसकी जरूरत ही नहीं है। इसीलिए जब नेक्स्ट टाइम आप उसी एसेट्स को फिर से रीचेक करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, यानी वो होगा एट कॉस्ट या फिर रिवैल्युएशन मॉडल यूज करके। रिवैल्युएशन प्राइस यदि कम आएगा तो हम लोग उस पर रिकॉर्ड करेगा, वरना कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा। आई बात समझ में यहां तक? अब देखो आगे चल के ये एस क्या सिखाएगा, ये एस ये सिखाएगा कि आपने इस कॉस्ट को आज सोचा, 10 साल बाद क्या एक्सपेंस होने वाला है और रिकॉर्ड कर लिया एट प्रेजेंट वैल्यू। ये तो आपकी सोच थी, बट ये सोच धीरे धीरे बदल सकती है। जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा अरे शिट, मैंने तो बहुत गलत सोच लिया, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लेबर इतने महंगे हो चुके हैं, डी कमीशनिंग कॉस्ट तो मेरा 2 लाख रुपए नहीं 4 लाख रुपए लगेगा ही लगेगा इस बार तो पक्का। इस एसेट को जब मैं डिस्कार्ड करूंगा, निकाल के फेंकूंगा, तो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करवाने में मेरा तो डबल खर्चा लगने वाला है। लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड किया था एसेट को तब तो मैंने बहुत कम वैल्यू कंसिडर कर लिया। तब आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट की वैल्यू को रिवाइज करना पड़ेगा ना, ये जो डी कमीशनिंग कॉस्ट थी उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये जाके हम लोग आगे सीखने वाला है। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो आगे क्या बोलता है, आगे एस बोलता है यदि आप कोई भी एसेट को बना रहे हैं, एसेट बनाने के टाइम कोई भी इंसिडेंटल इनकम आपको होता है दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द एसेट, कोई भी इंसिडेंटल इनकम, एबनॉर्मल इनकम। लेकिन यदि जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, इंसिडेंटल ऑपरेशन मतलब कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, अब बिल्डिंग बना रहे हो बहुत लंबा टाइम लगेगा, बड़ा प्रोजेक्ट है। अब उस एरिया में कम से कम आप 10-15 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है आपके पास में, बहुत बड़ा सा लैंड है उसमें बना रहे हो, अब वो तो लंबा समय लगेगा ना। अब उसके अंदर जब तक वो बिल्डिंग बन रहा था तब तक लोकल लाइट्स के लिए आपने क्या किया, वहां पे पार्किंग का फैसिलिटी दे दिया और पार्किंग से थोड़ा 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 पैसा भी चार्ज करने लगे, भैया घंटे का 5 रुपए लगेगा, 10 रुपए लगेगा, ठीक है। तो वो सारा होता है इंसिडेंटल ऑपरेशंस, मतलब वो प्रोजेक्ट तो बना ही नहीं लेकिन आप छोटा मोटा वहां पे अपना धंधा अलग से चालू कर चुके हो। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ इंसिडेंटल ऑपरेशंस विच आर नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग द आइटम टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। अब एक बात बताओ, वो प्रोजेक्ट बना रहे थे बिल्डिंग का, अब पार्किंग का एरिया को किसी और को भाड़े पे देना, यूज करने देना जरूरी था क्या बिल्डिंग बनाने के लिए? एकदम भी जरूरी नहीं था। मैनेजमेंट को तो जस्ट क्या चाहिए था, प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए था, बिल्डिंग्स बन जाए सुंदर तरीके से, अच्छे से स्ट्रांग बिल्डअप हो। बट आपने तो क्या किया, इंसिडेंटल सोचा, ठीक है थोड़ा साइड इनकम तो हो ही सकता है ना बिजनेस का, तो वो इस टाइप का कोई भी साइड इनकम यदि आप करने का सोचोगे तो दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लेस कुड बी यूज्ड फॉर पार्किंग रेवेन्यू टिल द कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस, जब तक वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसको क्या कर सकता है, पार्किंग के लिए यूज करवा सकता है। अब पार्किंग से जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो आपका इंसिडेंटल ऑपरेशन हो गया एंड दैट विल बी चार्ज टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज इट क्लियर? बट इफ एसेट बनाने के टाइम आपको कोई भी एबनॉर्मल इनकम हुआ, एबनॉर्मल इनकम का कोई एग्जांपल दे पाएगा? एसेट बनाते बनाते आपने क्या हुआ, कोई ज्वेलरी मिल गई, कोई खजाना मिल गया, ठीक है, तो वो इंसिडेंटल ऑपरेशंस नहीं है, वो ध्यान रखना, वो आपके लिए एबनॉर्मल इनकम है, वो आपकी एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। एसेट की कॉस्ट को ही हम कम कंसिडर करेंगे। जैसे आपको बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और बिल्डिंग का खुदाई करते करते आपको क्या मिला, एक पॉट मिल गया ज्वेलरी का, तो उसका जो भी वैल्यूएशन होगा वो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग से माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इंसिडेंटल ऑपरेशन एंड एबनॉर्मल इनकम में बहुत डिफरेंस होता है। एबनॉर्मल इनकम अचानक से होती है और इंसिडेंटल ऑपरेशन हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का कोशिश करते हैं जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? अब देखो, ये हमने पढ़ा कि फर्स्ट टाइम इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है फर्स्ट टाइम जब आप एसेट परचेज करते हैं तो अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे, ऑलवेज एट कॉस्ट, लेकिन बाद में धीरे धीरे यूज करते 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 उस एसेट्स को हम लोग हमेशा कैसे करेगा, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन, पता करेगा कि मार्केट वैल्यू उसका क्या है क्या नहीं है। क्लियर है ये चीज? स्पेयर पार्ट्स, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाई इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। स्पेयर पार्ट्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपके एक्टिवा के अंदर टूल किट जो होता है। देन आपने कार के पीछे में एक्स्ट्रा टायर देखा होगा, या कार के अंदर में एक्स्ट्रा टायर होता है, वो सब क्या है, स्टैंड बाई इक्विपमेंट या सर्विसिंग इक्विपमेंट हो गया आपका टूल किट्स। इज इट क्लियर? तो उन सबको क्या हमें पीपीई मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, राइट? तो आपको देखना पड़ेगा क्या वो हमारा डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है क्या, पीपीई का डेफिनेशन ऑफ पीपीई फुलफिल होगा तब हम लोग उसको क्या करेगा, पीपीई ट्रीट करेगा। लेकिन यदि वो पीपीई का डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको एज पर AS2 इन्वेंट्री ट्रीट कर लेगा। याद है ना, इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स बोल के भी आता था, क्यों, क्योंकि वो AS10 का डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा था हमारा। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाई इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट, ऐसे कोई भी जैसे गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा टायर, टूल किट वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें आप उसको पीपी मानो या नहीं मानो, उसके लिए उसका डेफिनेशन फुलफिल होना पड़ेगा। इफ नहीं फुलफिल हो रहा है तो हम लोग उसको AS2 के अकॉर्डिंग डील करेगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब देखो, एसेट यूज करना चालू किया चालू किया चालू किया, ठीक है, यूज करते 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 आपका क्या होगा, थोड़ा तो पुराना होगा। जैसे आपने नया नया एक्टिवा खरीदा, जितने में एक्टिवा खरीदा प्लस एक्टिवा की सारी एसेसरीज की कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो सब आपने एक्टिवा की कॉस्ट में ऐड कर दिया। अब यूज करते 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 आपको क्या करना पड़ता है, रेगुलर सर्विसिंग करवाना पड़ता है उसका। आफ्टर सर्टेन किलोमीटर रन या फिर नंबर ऑफ डेज के बाद में उसका सर्विसिंग कंपलसरी हो जाता है, वरना उतना माइलेज नहीं देगा, स्मूथली नहीं चलेगा। तो वो जो सर्विसिंग करवाते हो आप, उससे कोई एक्टिवा का लाइफ थोड़ी ना बढ़ रहा है, या फिर आपको कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट थोड़ी ना हो रहा है। तो वो एक नॉर्मल एक्सपेंस है आपका, जो हर बिजनेसमैन को करना होता है अपनी एसेट्स के लिए। तो वो डायरेक्ट खर्चा हम लोग कहाँ चार्ज करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेगा। डे टू डे सर्विसिंग जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। इज इट क्लियर? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्या करना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि आज यदि आप उस एसेट को रिप्लेस कर रहे हो विद द डिफरेंट एसेट, ठीक है, हो सकता है आपकी एसेट आउटडेटेड हो गई है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या कर रहे हो, नया खरीद रहे हो और उसको डिस्कार्ड, उसको निकाल के फेंक रहे हो। तो जब भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा तो सबसे पहले आपको देखना होगा क्या वो मेरा पीपीई का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है क्या, ठीक है, क्या वो कॉस्ट मेरे को फ्यूचर, मतलब जो एसेट आप रिप्लेस कर रहे हैं उससे क्या आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा,
एंड कॉस्ट हम रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इफ यस तब हम लोग क्या करेगा, जो पुराना एसेट था, जो पुराना एसेट जिसके बदले में आप नया एसेट्स लेके आ रहे हो, द ओल्ड एसेट विल बी डी रिकॉग्नाइज फ्रॉम द बुक्स। डी रिकॉग्नाइज का मतलब होता है उसको हम हमारे बुक से हटा देंगे। इज इट क्लियर? तो जब भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है, रिकॉग्नाइज्ड एज पीपी कब करेंगे, जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल होगा। एंड जो पुराना एसेट्स का कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बुक वैल्यू। द बुक वैल्यू ऑफ द रिप्लेस्ड आइटम इज डी रिकॉग्नाइज। डी रिकॉग्नाइज का मतलब बुक से हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। इज इट क्लियर? देन रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन। रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन का मतलब क्या? बड़े बड़े प्लांट्स में इंस्पेक्शन होता ही रहता है, जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली चिमनीज वगैरह से, फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स, इन सब के लिए ना गवर्नमेंट अथॉरिटी से आदमी आते हैं और आपके ऊपर बार बार चेक डालते हैं, क्या सब कुछ प्रॉपरली कर तो रहे हो या नहीं कर रहे, क्या आपकी फैक्ट्री से या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एनवायरनमेंट को अननेसेसरी हार्म तो नहीं हो रहा। तो ये सब होता है रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन। ठीक है, इफ इंस्पेक्शन का खर्चा छोटा मोटा है तो कोई बात नहीं, इफ बड़ा खर्चा है तो हमें देखना पड़ेगा कि उस बड़े खर्चे करने की वजह से मेरा फ्यूचर में फायदा होने वाला है क्या, तो हम लोग उसको पीपीए रिकॉग्नाइज कर लेगा। राइट, क्लियर है? एंड जो बुक वैल्यू, ऑलरेडी जो प्रीवियस इंस्पेक्शन हुआ था वो भी तो मेजर खर्चा रहा होगा, उसको अब हम हमेशा राइट ऑफ कर देंगे। इफ मेजर एक्सपेंस है तो पहले भी हमने उसको एज ए पीपीई ट्रीट करके एसेट माना होगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड किया होगा। अब फिर से आफ्टर सर्टेन टाइम नया मेजर इंस्पेक्शन हो रहा है, तो हम पुराने मेजर इंस्पेक्शन को क्या करेंगे, बुक से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। डी रिकॉग्नाइज का मतलब राइट ऑफ कर देंगे। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, यहां तक मस्त तरीके से रिवाइज कर लो, एक बार पूरा रीड कर लो, फिर इस पे सर्टेन क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड देन उसके आगे बढ़ेगा। पर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अभी आओ देखो क्वेश्चंस देखता है, जितना अभी तक पढ़ा उसके ऊपर। नंबर 1, एंटिटी ए अ सुपरमार्केट चेन इज रिनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर। ठीक है, द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस फॉर इन स्टोर प्रमोशन आउटलेट्स आफ्टर द रिनोवेशन एंड विल इंक्लूड अ रेस्टोरेंट। क्या बोल रहा है, एक सुपरमार्केट चेन है, वो अपने स्टोर को रिनोवेट कर रहा है, स्टोर रिनोवेट करने की वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा स्पेस होगा, एक रेस्टोरेंट भी निकल के आएगा। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन्स विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ 15% इंक्रीज इन सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टोर रिनोवेशन विच विल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। स्टेट वेदर द रीमॉडलिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड और नॉट। बताइए। होगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले लिख के आएगा एज पर AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड एक्सपेंडिचर शैल बी कैटेगराइज्ड एज पीपी इफ देयर इज अ प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, इन द गिवन केस कॉस्ट हम रिमॉडलिंग का जितना खर्चा लगे वो पता कर पाएगा, अज्यूम कर रहा है, एंड सेल्स बढ़ने वाला है, कस्टमर बढ़ेंगे तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, देयरफॉर द रीमॉडलिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड एज पर AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन ईच मेजर इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड इट्स कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम पीपीई। ये कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर में, ये मेजर इंस्पेक्शन के बारे में बोल रहा है कि जब भी मेजर इंस्पेक्शन होगा, तो मेजर इंस्पेक्शन जब होता है तो अभी हमने क्या पढ़ा था, पुराना वाला मेजर इंस्पेक्शन डी रिकॉग्नाइज करेंगे,
एंड नया वाला मेजर इंस्पेक्शन जो हो रहा है, इफ वो मेरा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या करेगा, कॉस्ट का पार्ट मान लेगा, पीपीई मानेगा। अब सपोज आपको पुराना वाला मेजर इंस्पेक्शन का कॉस्ट नहीं पता, व्हाट हैपेंस इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट और इंस्पेक्शन, प्रीवियस पार्ट जो रिप्लेस कर रहे हो या फिर जो इंस्पेक्शन हुआ था उसका कॉस्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इन द ट्रांजेक्शन इन विच द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, जब पहले आपने वो आइटम को खरीदा था या इंस्पेक्शन करवाया था उस टाइम जो खर्चा लगा था अभी वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तब आप कैसे उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे? क्योंकि हमने पढ़ा जब भी कोई एसेट को हम रिप्लेस करते हैं तो पुरानी वाली एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, राइट? एंड मेजर इंस्पेक्शन के केस में भी पुराना वाला मेजर इंस्पेक्शन डी रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है? कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू जितना भी है उसको हम हमारे बुक से राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन अब आपको बुक वैल्यू ही नहीं पता तब आप क्या करोगे? इफ आपको बुक वैल्यू पुराना वाला नहीं पता तब आप कैसे डी रिकॉग्नाइज करोगे, बताओ? इफ हमें पुराना बुक वैल्यू नहीं पता होगा तो हम कैसे उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे? एनी गेस? तो इन्फ्लेशन को सोचते हुए कुछ पैसा कम कर देंगे, मतलब प्रेजेंट जो कॉस्ट होगा उसके हिसाब से। नॉट इन्फ्लेशन मतलब सिमिलर, देखो आपने जब पहले एक्वायर किया था फ्यूचर में सब फ्यूचर, सिमिलर। हाँ यस फ्यूचर में सिमिलर टाइप का पार्ट्स खरीदने में और कितना खर्चा लगेगा, या फ्यूचर में मेजर इंस्पेक्शन फिर से होगा तो कितना कॉस्ट लगा लगेगा आपका, उस हिसाब से आप उस उतना ही बुक वैल्यू क्या करोगे अपने बुक से डी रिकॉग्नाइज कर दोगे। यानी एक्चुअल में अब क्या लगने वाला है उतना ही तो पहले लगा होगा, उसके हिसाब से लमसम एक कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग क्या करेगा हमारे बुक से डी रिकॉग्नाइज करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना एसेट पुराना इंस्पेक्शन कॉस्ट बुक वैल्यू नहीं पता तो हम डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। डी रिकॉग्नाइज तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे, हमें वैल्यू तो पता नहीं है, तो फ्यूचर फ्यूचर में जो मेजर इंस्पेक्शन होगा या एसेट का रिप्लेसमेंट पार्ट का वैल्यू है उस हिसाब से ही हम हमारे बुक से डी रिकॉग्नाइज कर लेगा। इज इट क्लियर? देखो नंबर थ्री, एंटिटी ए हैज एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी विच इट इंटेंड्स टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप। क्या बोलता है, ऑलरेडी इसका एक प्रॉपर्टी है उसको अब नॉकडाउन का मतलब तोड़वाएगा एंड नया से बनवाएगा। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज टू अनदर टेम्पररी साइट। द फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी इनकर्ड। सेटअप कॉस्ट 5 लाख टू इंस्टॉल मशीनरी इन द न्यू लोकेशन, रेंट 15 लाख का, रिमूवल कॉस्ट 3 लाख टू ट्रांसपोर्ट द मशीनरी फ्रॉम ओल्ड लोकेशन टू द टेम्पररी लोकेशन। कैन दिस कॉस्ट बी कैपिटलाइज इन टू द कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग? बताइए, आपके पास देखो ऑलरेडी पुराना बिल्डिंग था, आप उसको अब तोड़वा के नया बिल्डिंग बनवा रहे हो, उस बिल्डिंग में जो भी एसेट्स था एक बार के लिए आप क्या कर रहे हो, टेम्पररी लोकेशन में शिफ्ट कर रहे हो, तो टेम्पररी लोकेशन में शिफ्ट करने से ये सारे खर्चे हो रहे हैं। क्या ये सारे खर्चे बिल्डिंग की कॉस्ट में आप कैपिटलाइज करोगे क्या? नहीं, करना तो नहीं चाहिए सर, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में भी कुछ नहीं बताया कि बाद में उस करने से क्या फायदा होगा वगैरह। सुनिए, स्कूल सीधा वाला आप जो लिखा सा है बात वो सब है, कवर ही हो जाए। मशीनरी तो वर्केबल कंडीशन में है ही ना, अभी तो थोड़ा देर पहले पढ़ा था रीलोकेशन का खर्चा, रीलोकेशन का खर्चा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। रीलोकेशन कॉस्ट कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, मशीन तो वर्केबल कंडीशन में ही है, वो तो आप अपनी बिल्डिंग को नॉक डाउन करके नया बिल्डिंग बनाना चाहते हो उसकी वजह से मशीन को रीशिफ्ट कर रहे हो, तो वो रीशिफ्टिंग का खर्चा थोड़ी ना मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो सारे एक्सपेंसेस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। इज इट क्लियर?
तो ये सब कोई भी मेरा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा। ऐसे आंसर में भी आपको क्या करना है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लिख के आना है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल नॉट फ्लो टू द एंटरप्राइज बिकॉज मशीन तो वर्केबल कंडीशन में है ही एंड कॉस्ट तो चलो मेजर कर पा रहे, लेकिन दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होता है तो हम लोग उसको पीपीई ट्रीट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? नंबर 3 क्लियर है, क्योंकि ये न्यू भैया, लोकेशन में शिफ्ट करने का खर्चा है। हाँ आप जो एक्सक्लूड वाला पार्ट लिखा है वो भी तो लिख ही सकते हैं ना। हाँ वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, बट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तो लिख के आना। हाँ भैया, अब देखो नेक्स्ट, ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद अ सप्लायर टू परचेज मशीनरी विच इज टू बी इंस्टॉल्ड विच इज टू बी इंस्टॉल्ड इट्स वन डिपार्टमेंट इन 3 मंथ्स टाइम। ओमेगा लिमिटेड ने एक सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक मशीन खरीदेगा जो 3 महीने में उसका वहां इंस्टॉल कर दिया जाएगा। स्पेशल फाउंडेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वेयर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन दिस सप्लाई लीड टाइम। मतलब एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसपे मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा और ये 3 महीने के अंदर हम बना देंगे मशीन जब तक आएगा। द कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन एंड लेइंग फाउंडेशन वेयर 1,40,000। बोलता है उस स्ट्रक्चर को बनाने में खर्चा जाएगा 1,40,000। तो बताओ क्या ये खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा क्या? क्या ये 1,40,000 जो हम मशीन हाँ खरीदने वाले हैं उसकी कॉस्ट में ऐड होगा? यस सर, हाँ यस, हाँ क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। ये तो रिक्वायर्ड है, इसके बिना तो मशीन यूज ही नहीं कर पाओगे, इंस्टॉल करोगे कहाँ पे? तो ये होगा। दीज एक्टिविटीज वेयर सुपरवाइज बाई ए टेक्नीशियन ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड हु इज एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पज ऑफ ₹45,000 पर मंथ। 45,000 पर मंथ का वो सैलरी ले रहा है आपसे। तो बताओ ये जो टेक्नीशियन को आप सैलरी दे रहे हो क्या ये मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? हाँ, 3 महीने का बन जाएगा ना। 3 महीने का बनेगा, क्योंकि इसकी सैलरी देने की वजह से ही वो फाउंडेशन बनेगा और फाउंडेशन बनेगा तभी हमारा मशीन इंस्टॉल हो पाएगा। तो ये तो नेसेसरी है टू ब्रिंग एसेट्स टू वर्केबल कंडीशन। तो 45,000 इंटू 3, 3 महीने का रेंट भी सैलरी भी आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। द मशीन वॉज परचेज एट 1,50,1,58,00,000 एंड 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वेर इनकर्ड टू ब्रिंग द मशीन टू द फैक्ट्री साइट। और 50,000 तो उसको जहां से खरीदा वहां से लेके हमारे फैक्ट्री तक लाने में लग गया। तो क्या ये 50,000 मशीन का कॉस्ट का पार्ट बनेगा? हाँ, लोकेशन तक लाया है। बनेगा। एन आर्किटेक्ट वॉज अपॉइंटेड एट अ फी ऑफ 30,000 टू सुपरवाइज मशीनरी इंस्टॉलेशन एट द फैक्ट्री साइट। क्या ये बनेगा? हाँ भैया, क्योंकि मशीनरी इंस्टॉल हुआ कहाँ है, इंस्टॉल करने के लिए तो ये आर्किटेक्चर को हमने अपॉइंट किया है, तो ये भी कंपलसरी खर्चा हो गया टू ब्रिंग मशीन इनटू वर्केबल कंडीशन। यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द अमाउंट एट विच मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज। कितने रुपीज में कैपिटलाइज करेंगे? 1,58,00,000 मशीन का परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन खर्चा 50,000 प्लस 30,000 का आर्किटेक्चर का खर्चा प्लस 1,40,000 का फाउंडेशन कॉस्ट प्लस 3 महीने का सैलरी। 3 महीने का सैलरी बोले तो 1,35,000। यानी द कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी 1,61,55,000। इज इट क्लियर? डन। इजी सा था। आपको वहां पे A10 का रेफरेंस देके लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट में क्या क्या पार्ट बनता है एंड उसके बाद बता देना कि इसके अंदर में ये सारे कॉस्ट ऐड कर करके द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी विल बी दिस मच। नंबर 5, एंटिटी ए विच ऑपरेट्स अ मेजर चेन ऑफ सुपरमार्केट। ये तो अभी किया ही था, ये किया था ना हमने सुपरमार्केट चेन वाला। आपसे क्या पूछा है? एक तो कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट के बारे में पूछा एंड सैलरीज टू स्टाफ के बारे में पूछा। बताओ क्या करेंगे?
पढ़ो पढ़ो बताओ। एंटिटी ए विच ऑपरेट्स अ मेजर चेन ऑफ सुपरमार्केट हैज एक्वायर्ड ए न्यू स्टोर लोकेशन। ओके, एक नया लोकेशन एक्वायर किया हमने। द न्यू लोकेशन रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट द रिनोवेशन विल लास्ट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीना लगेगा उसको रिनोवेट करने में, ड्यूरिंग विच द सुपर मार्केट विल बी क्लोज। और उस 3 महीना हमारा सुपर मार्केट बंद रहेगा, उसमें हम लोग कोई भी काम धंधा नहीं करेगा। ओके, मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द बजट फॉर दिस पीरियड, यानी 3 महीने का बजट बनाया, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट, सैलरीज ऑफ स्टाफ हु विल बी प्रिपेयरिंग द स्टोर बिफोर इट्स ओपनिंग एंड रिलेटेड यूटिलिटीज कॉस्ट। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर, बताइए। कंस्ट्रक्शन ये एंड रीमॉडलिंग नहीं होगा कॉस्ट, ना, सर नहीं रीमॉडलिंग वाला तो हम लोग का एसेट का पार्ट बन होगा। गया। यस, ये हमारा कॉस्ट का पार्ट बनेगा, लेकिन यदि स्टाफ का सैलरी और यूटिलिटीज आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा है कि ओपन होने के बाद भी वैसा ही चलता रहेगा, होता रहेगा खर्चा, ये तो सो दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। ये पीपी का कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। सैलरी ऑफ द स्टाफ को तो स्टोर ओपन होने के बाद भी पेमेंट करोगे ना, ये तो चलता जाएगा। ये तो आपके लिए क्या हो गया, रेकरिंग टाइप का खर्चा हो गया, ऑपरेशनल एक्सपेंस है ये आपका, और आई कैन से रेकरिंग एक्सपेंस और आई कैन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए कॉन्ट्राडिक्टिकली। और कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट जो है वो हमारा एज ए पीपीई क्लासीफाई होगा। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, एन अम्यूजमेंट पार्क हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक। सॉफ्ट ओपनिंग का मतलब होता है फुल फ्लेज ओपनिंग नहीं किया है, थोड़े कुछ लोगों को अलाउ कर रहे हैं। टू ट्रायल रन इट्स अट्रैक्शन, ट्रायल रन बेसिस पे, जैसे जियो आया था फ्री में इंटरनेट दे रहा था। टिकट्स आर सोल्ड एट ए 50% डिस्काउंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। बोलते हैं ये सॉफ्ट ओपनिंग, जब हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा अम्यूजमेंट पार्क में सब कुछ सही है ना, अच्छे से हम लोग हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसी के लिए अभी हम लोग फुल प्राइस चार्ज भी नहीं कर रहा। क्या कर रहा है, 50% डिस्काउंट देके काम कर रहा है। यदि टिकट का प्राइस 100 रुपए, तो हम लोग टिकट का प्राइस अभी 50 रुपए ले रहे हैं, राइट। ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज 80%, और हम लोग 100% जो कैपेसिटी है अम्यूजमेंट पार्क का वो भी यूज नहीं कर रहा, 80% लोगों को ही अलाउ कर रहे हैं। द ऑफिशियल ओपनिंग डे ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क इज 3 मंथ्स लेटर। ऑफिशियली 3 महीने बाद में हम 100% हर किसी को अलाउ करेंगे, एंड वो भी पूरा जो एक्चुअल फेयर है वही हम लोग लेगा उन लोग से। मैनेजमेंट क्लेम्स दैट द सॉफ्ट ओपनिंग इज अ ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क टू बी इन कंडीशन कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द इंटेंडेड मैनर। अकॉर्डिंगली द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड कमेंट। यानी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ये जो 50% डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं ना, ये 50% डिस्काउंट हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, बिकॉज ये खर्चा नेसेसरी था उस एम्यूजमेंट पार्क को वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए। यानी डिस्काउंट देना कंपलसरी था उस एम्यूजमेंट पार्क को ऑपरेशन में लाने के लिए। बताओ क्या लगता है आपको? अरे जहां 80% कैपेसिटी उस एम्यूजमेंट पार्क को एंजॉय कर सकती है, तो 100% भी कर लेगी। चाहे एक बंदा भी आपके झूलों को यूज कर सकता है, मतलब एम्यूजमेंट पार्क तो रेडी है। ये तो आपका मार्केटिंग करने का तरीका है। आई बात समझ में? सो ये कोई जरूरी नहीं था कि आप डिस्काउंटेड नहीं प्राइस में टिकट बांटोगे तभी वो एम्यूजमेंट पार्क कंडीशन में आएगा। हैंस सच ऑपरेटिंग कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड, बिकॉज ये आपके लिए कंपलसरी नहीं था खर्चा करना टू मेक एम्यूजमेंट पार्क टू वर्केबल कंडीशन। आई बात समझ में? सच ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? भैया, इसको इंसिडेंटल ऑपरेशंस बोलेगा क्या?
हाँ इंसिडेंटल इंसिडेंटल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तुम बोल सकता है, लेकिन ये कैपिटलाइज नहीं होगा बिकॉज एम्यूजमेंट पार्क तो रेडी है ना। अब तुम जैसे कि जियो जब आया उसने फ्री में इंटरनेट सर्विस दिया, बोलते हैं फ्री में दिया कंपनी का तो खर्चा लग रहा था ना, अब कंपनी का जितना भी कॉस्ट लग रहा है हम लोग कैपिटलाइज करेगा। अरे ऐसे कैसे, किसने बोला तुम फ्री में दो? तुम पहले मतलब दिन एक तरह से से एडवर्टाइजमेंट ही क्या किया है ना, चीज, एडवर्टाइजमेंट टाइप ही किया है ना खुद। हाँ एडवर्टाइजमेंट टाइप ही है। हाँ आपका फाइबर लाइन लग चुका है, इंटरनेट जा रहा है, तब आप कैसे बोल सकते हो कि आपका रेडी नहीं है? सिमिलरली एम्यूजमेंट पार्क रेडी है, आप तो बस चेक कर रहे हो कि ऑडियंस वगैरह प्रॉपरली आएगा या नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो ये जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका था, ये आपका नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन कॉस्ट है, डिस्काउंट देने का तरीका। तो ये सीधा हम पीएनएल में चार्ज करते हैं, कैपिटलाइज नहीं करते। इज इट क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, एंटिटी ए एक्सचेंजेस लैंड विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹10 लाख फॉर कैश ऑफ ₹20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट ₹25 लाख। व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड? अच्छा ये वाला पार्ट हमने अभी तक किया ही नहीं है, कमर्शियल सब्सटेंस वाला पार्ट हमने अभी तक किया ही नहीं है। ठीक है चलो यहां तक ही किया था, जितना क्वेश्चन हमने किया यहां तक दिक्कत नहीं है, आराम से रिकॉल हो गया। आप लोग बस एक बार हमने जो पहले क्लासेस में सॉल्यूशन लिख के रखा हुआ है उसको अच्छे से रीड कर लेना, लिखने का तरीका, बिकॉज अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं लिखने का तरीका भी एक एक करके फिर से कराऊं। एक बार का हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करते, क्या क्या लिखना है और क्या अपने को एग्जाम में रेफरेंस पॉइंट लिख के आना है। इज इट क्लियर? अब देखो अलग अलग केसेस में आप अपने बुक्स में कैसे एसेट का कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर डिफरेंट केसेस। जब आप लोग एसेट खरीदा है, इफ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, इसका मतलब बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स का मतलब होता है एक बिजनेस के अंदर में नॉर्मली 2 महीना 3 महीना 4 महीना का क्रेडिट पीरियड मिलता है, लेकिन आपने तो डेफर कर दिया कि हम इसको 3 साल में पैसा चुकाएगा, 4 साल में पैसा देगा या 5 साल में पैसा देगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल क्रेडिट टर्म से भी बियॉन्ड डेफर हो चुका है, राइट? एक तरह से आप क्या कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाने वाले हो। इज इट क्लियर? तो आप अपने बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, एक तरह से ये आपका हायर परचेज का केस हो गया। हायर परचेज में तो हम ऐसे ही करते हैं ना, हम पूरा पैसा एक बार में नहीं देते, इंस्टॉलमेंट में देते हैं, राइट? तो कॉस्ट कैसे डिफाइन करोगे, जितना टोटल पेमेंट किया है, जितना टोटल पेमेंट ओवर द पीरियड किया है उसमें से जो इंटरेस्ट पार्ट है वो हटा दूं, देन दैट विल बी टर्म्ड एज माय कॉस्ट ऑफ द एसेट। कैश प्राइस याद करो, रिवर्स कैलकुलेशन हायर परचेज में करते थे, रीपेमेंट शेड्यूल बनता था तो उसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग अलग करते थे, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता था उसी वैल्यू पे हम लोग एसेट्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, राइट? डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स का मतलब एक तरह से हायर परचेज की तरीके से हम लोग करेगा, कैसे करेगा, जितना टोटल पेमेंट किया माइनस कैश प्राइस इक्विवेलेंट। कैश प्राइस का मतलब आज रोकड़ा, जैसे होता ना कि हम लोग शोरूम में गया, तुरंत तुमको एक गाड़ी पसंद आया, उस गाड़ी का कॉस्ट है 10 लाख, 10 लाख रुपए तुरंत दो और गाड़ी घर पे लेके आ जाओ, देन द कॉस्ट ऑफ द कार विल बी 10 लाख। बट तुमने क्या किया, बोला नहीं एक बार में तो नहीं दे पाऊंगा, मैं 5 साल में पैसा दे दूंगा। तो 5 साल ओवर द 5 ईयर्स तुमको गाड़ी के लिए टोटल पेमेंट करना पड़ा 13 लाख रुपीज, अज्यूमिंग 13 लाख रुपीज का पेमेंट करना पड़ा, 3 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, वो 3 लाख एक्स्ट्रा क्या चीज का है, इंटरेस्ट पार्ट है वो, क्योंकि आप तो कार यूज कर रहे हो और आपके बिहाफ में कोई और बंदा आपको फाइनेंस कर रहा है, तो वो 3 लाख तो इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ ना, वो कैसे आपका कॉस्ट का पार्ट हो सकता है, राइट?
तो जब भी इस तरह का ट्रांजेक्शन होता है तो इंटरेस्ट कॉस्ट 10 लाख वॉज द कैश प्राइस, 13 लाख वॉज द टोटल पेमेंट विच यू विल बी पेइंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बोलता है 13 लाख माइनस कैश प्राइस जो 3 लाख है, 3 लाख को हम लोग क्या करेगा, 3 लाख को क्या करेगा हम लोग, पीएनएल में चार्ज करेगा, पीएनएल में चार्ज करेगा। इज इट क्लियर? लेकिन AS 16 हमें एक चीज सिखाता है कि समटाइम्स इंटरेस्ट कॉस्ट इज ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। इफ एसेट वर्केबल कंडीशन में आया ही नहीं है बनाने तक का, जो जैसे कि आपको एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, आपने बिल्डिंग बनाने के लिए 50 लाख रुपए का लोन लिया, 50 लाख का लोन लिया, 5 साल में बिल्डिंग बन गया, तो ये 5 साल आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। 5 साल के बाद अभी भी लोन पूरा रीपेमेंट नहीं हुआ, उसके बाद जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? एक्सेप्ट सच इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज्ड एज पर AS 16। मतलब उस एसेट को वर्केबल कंडीशन या पुट टू यूज में लाने तक इंटरेस्ट कॉस्ट जरूरी था, देन इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, अदरवाइज इंटरेस्ट पार्ट को हमेशा पीएनएल में दिखाएंगे एंड जो एक्चुअल कॉस्ट है उसी को हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। देन नेक्स्ट, पीपी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर ए नॉन मॉनिटरी एसेट और मॉनिटरी एसेट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मॉनिटरी एंड मॉनिटरी एसेट। इसका मतलब है हम एक एसेट खरीद रहे हैं, उसके बदले में हमारी एक एसेट दे रहे हैं और कुछ पैसा दे रहे हैं, या फिर हम एसेट खरीद रहे हैं और उसके बदले में पैसा दे रहे हैं, और हम एसेट परचेज कर रहे हैं और उसके बदले में हमारी एसेट्स दे रहे हैं। तो बोलता है उस कंडीशन में जो एसेट्स आपने परचेज करी है सर उसको, हाँ सर एक डाउट रहेगा इसके अंदर, वो जो आप 5 साल वाला जो बोला था, तो हर केस में मतलब 5 साल तक का ही इंटरेस्ट मेरे को लेना है, उसके बाद वाला पूरा रिवेन्यू में डाल देना। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका एसेट कब तक है। जैसे कि सपोज मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए एक लोन लिया था, अब बिल्डिंग बनाना शुरू किया, बिल्डिंग बन गया मेरा 3 साल में, तो 3 साल तक जो मैंने इंटरेस्ट दिया है उस लोन पे वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा, लेकिन 3 साल के बाद वो लोन कंटिन्यू है मेरा, उस पे जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ ना वो पीएनएल में जाएगा, क्योंकि अब वो मेरा बिल्डिंग बन चुका है, वर्केबल कंडीशन में आ चुका है। ये तो फिर AS 16 बोलता है ये चीज ना, हाँ, ये AS 16 बोलता है। AS तो 10 AS का नॉर्मली ये बोला है कि आपका जो इंटरेस्ट पार्ट है उसको हम लोग पीएनएल में चार्ज करेगा, समझ गया, ठीक है सर। ठीक है। देन नेक्स्ट था बार्टर सिस्टम, एसेट के बदले में एसेट दे दिया, एसेट के बदले में पैसा दे दिया, एसेट के बदले में कुछ पैसा और कुछ एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दी, राइट। उस कंडीशन में जो एसेट आपने खरीदा है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है वो सीखते हैं। पहला प्रायोरिटी हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मेजर एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। जो एसेट हमने दिया है उसका जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, उस वैल्यू पे आप उस एसेट को रिकॉर्ड करोगे। सपोज मैंने एक कैलकुलेटर दिया और उसके बदले में एक महंगा कैलकुलेटर लिया, तो जो कैलकुलेटर दिया है उसका जो मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, उसी पे मैं नए वाले कैलकुलेटर को रिकॉर्ड करूंगा। आई बात समझ में? ये मेरा पहला प्रायोरिटी होगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है प्रॉफिट कमाने का मोटिव ही नहीं था। ऐसे ही यारी दोस्ती, बाप बेटा आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं एसेट, यानी उसको बोलता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। यदि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है उसके अंदर में, मतलब हमारा कोई बिजनेस इंटेंशन नहीं है उसके अंदर में, एंड
जो एसेट्स हम दे रहे हैं हमारी बुक्स में से, जो एसेट हम दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू पता नहीं कर सकते. फेयर वैल्यू ऑफ एसेट नॉट रिलायबली मेजरेबल. उस कंडीशन में जो एसेट हमने लिया है, जो एसेट हमने लिया है दैट विल बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन. जो एसेट हमने दिया है उसकी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे. फिर से बोल रहा हूं, सपोज मैंने एक कार दिया, ठीक है, मैंने अपनी पुरानी BMW दी और उसके बदले में ऑडी परचेज कर ली, राइट. अब बोल रहा है ऑडी को अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ द BMW. जो BMW का फेयर वैल्यू है आज जाके मार्केट में लेता तो जो फेयर वैल्यू है उस पे रिकॉर्ड करो उस ऑडी को, राइट. लेकिन मैंने क्या किया, मेरी अपनी BMW दी अपने पापा को और उनसे ले लिया ऑडी. नाउ दिस ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस. यहाँ हमारा बिजनेस का कोई इंटेंशन ही नहीं है, नॉर्मल बाप बेटे ने एक्सचेंज कर लिया, राइट. प्लस मेरी BMW का फेयर वैल्यू भी पता नहीं कर पा रहे हम लोग. उस कंडीशन में बोला है कि मेरे बुक्स में जो BMW का बुक वैल्यू था उसी वैल्यू पे मैं ऑडी को रिकॉर्ड करूंगा. आई बात समझ में, क्लियर है. एंड सेकेंड, ये तो था पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन, जो एसेट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, दे रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो एसेट हम रिसीव कर रहे हैं उसके फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो. जो एसेट आपके पास आ रही है उसकी जो फेयर वैल्यू है उस पे अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लो. इज इट क्लियर? क्लियर है ये? देन हेल्ड बाय लेसी इन केस ऑफ फाइनेंस लीज. फाइनेंस लीज के केस में AS 19 जैसा बताएगा वैसे आपको करना है, और AS 19 आपका है नहीं. रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है आपको कोई एसेट का, तो उसके लिए मेरा AS 12 सिखाता है, ठीक है. गवर्नमेंट ग्रांट कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट आपको फोकट में दे देता है कैपिटल एसेट्स, फ्री में आपको देता है. गवर्नमेंट बोलता है करो तुम धंधा, एसेट हम तुम्हें दे देंगे, टेंशन नहीं है. तो वो जो फ्री में, या फिर कभी कभी गवर्नमेंट बोलता है तुम एक बार अपने तरफ से खरीद लो पैसा लगा के, तुम्हें हम सारा पैसा रिटर्न कर देंगे. तो वो जो सारा पैसा रिटर्न गवर्नमेंट कर रही है तो हमारे पॉकेट से तो कुछ भी नहीं गया, तो इसका मतलब कॉस्ट है ही नहीं हमारे लिए. तो बोलता है उस कंडीशन में एसेट इज रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू. एंड नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है कुछ वैल्यू से तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना. अब बिजनेस में मशीन तो आया है 10 लाख का, लेकिन वो सारा का सारा 10 लाख गवर्नमेंट ने ही हमें पे कर दिया, तो एसेट को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा बिजनेस में. रिकॉर्ड तो करेंगे कितने रुपए में, 1 रुपए में, 10 रुपए में, 100 रुपए में, 500 रुपए में, जो जिसका लकी नंबर, बस उस पे नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करके छोड़ दो. इज इट क्लियर? एंड समटाइम्स गवर्नमेंट बोलता है कि तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, अपने बिजनेस में एसेट्स लगाओ, उस एसेट्स का जितना कॉस्ट होगा उसका 50% हम देंगे, उसका 50% हम देंगे. तो यानी गवर्नमेंट का ग्रांट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचा है उस वैल्यू पे हम हमारे बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड कर लेंगे. इज इट क्लियर? क्लियर है यहां तक? अब देखो इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या चीज. तो वो नॉन सब्सटेंशियल वाला जो पार्ट था ना, डज नॉट हैव कॉमर्शियल सब्सटेंस, हाँ उसमें अगर हम लोग का क्वेश्चन में बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन वो भी रहे और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट दोनों रहे, तो भी तो हम लोग बुक वैल्यू ही कंसिडर करेगा ना. हाँ हाँ बुक वैल्यू ही कंसिडर करेंगे. आओ देखो ये वाला क्वेश्चन वही था. नंबर 7, एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख. हम लैंड एक्सचेंज कर रहे हैं, 10 लाख रुपए का बुक वैल्यू हमारे लिए, उस लैंड की बुक वैल्यू है 10 लाख. फॉर कैश ऑफ ₹20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट ₹25 लाख, व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड. आपको बताना है जो एसेट आपने रिसीव किया है उसको अपने बुक्स में कितने रुपीज में रिकॉर्ड करोगे, बताइए.
एक लैंड दिया, लैंड के बदले में पैसा आया और प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी को कितने में रिकॉर्ड करेंगे? बोलो बोलो। सर 25 लाख में कर लेगा। 25 लाख में कर देगा ना, बिकॉज फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव तो पता ही है, 10 लाख का लैंड गया, उसमें से 20 लाख का कैश आया और 25 लाख का आपका प्लांट एंड मशीनरी आया है, तो कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 25 लाख पे तो रिकॉर्ड करेंगे। अरे ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस ना, मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। जब कोई भी ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस होता है तो हम उसके फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। फेयर वैल्यू का मतलब उसके मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। आज तुम्हारे बुक्स में लैंड की वैल्यू है 10 लाख, लेकिन तुम जिसको बेच रहे हो रिटर्न में, वो तुमको क्या दे रहा है? 20 लाख रुपए कैश दे रहा है और 25 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी दे रहा है। कैन आई से द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड विच यू हैव गिवेन इज 45 लाख? फेयर वैल्यू ऑफ लैंड तो 45 लाख हो गया ना, 20 लाख का कैश मिल रहा है और 25 लाख का प्लांट एंड मशीनरी मिल रहा है आपको। इज इट क्लियर? तो अब कैश तो कैश पे ही रिकॉर्ड होगा, तो बाकी जो फेयर वैल्यू बचा यानी प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड एट 25 लाख। इज इट क्लियर? समझ में आया? अरे एसेट के बदले में एसेट रिकॉर्ड करेंगे ना, कैश प्राइस को तो कैश में ही रिकॉर्ड करोगे, जितने का कैश मिला एक्चुअल में। क्लियर है? आई होप क्लियर है ये, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस है। जब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता, देखो यहाँ लिखा भी है कंसीडर दैट ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, और जब कमर्शियल सब्सटेंस होता है मतलब इंटेंशन बिजनेस वाला है, वी रिकॉर्ड द एसेट विच वी हैव रिसीव्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन। और हम जो एसेट दे रहे हैं उसका बुक वैल्यू है 10 लाख और फेयर वैल्यू है 45 लाख। उस 45 लाख में 20 लाख तो कैश आ गया और 25 लाख का एसेट है, तो 25 लाख में ही रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एंटिटी ए एक्सचेंजेस कार एक्स विथ अ बुक वैल्यू, यानी हमारे बुक्स में एक कार है उसका बुक वैल्यू है 13 लाख एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,25,000 फॉर कैश ऑफ 15,000 एंड कार वाई विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,10,000। क्या बोल रहा है? एंटिटी ए ने कार एक्सचेंज किया जिसका बुक वैल्यू है 13 लाख, ये बुक वैल्यू उसका, और फेयर वैल्यू है 13,25,000। यानी जो कार हम दे रहे हैं उसका बुक वैल्यू 13 लाख और फेयर वैल्यू है 13,25,000। फेयर वैल्यू कब देखते हैं? जो एसेट्स हम दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू कब देखना है? कमर्शियल सब्सटेंस है कमर्शियल जब सब्सटेंस कमर्शियल कमर्शियल सब्सटेंस हो, और जब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा तब क्या देखना है? बुक बुक वैल्यू वैल्यू ऑफ एसेट बुक गिवन। वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन, राइट? ये दिमाग में सेट कर लो कि कब फेयर वैल्यू देखना है, कब बुक वैल्यू देखना है, राइट? अब हमने दिया कार, उसके बदले में क्या किया? 15,000 का कैश ले लिया एंड एक कार ले लिया 13,10,000 रुपए का। द ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब इंटेंशन ही नहीं है। एज द कंपनीज कैश फ्लोज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज। बोले इस एक्सचेंज से कंपनी का कैश फ्लो में कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। ऑब्वियसली नहीं आ रहा, क्योंकि कंपनी मार्केट में भी इसको बेचने जाता तो 13,25,000 मिलता, और जिस बंदे को बेचा है उससे क्या हो रहा है? 13,10,000 का एक कार मिल रहा है और 15,000 कैश मिल रहा है, तो 13,25,000 भी तो हो रहा है। तो क्या करेंगे बताओ? व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड? कितने में रिकॉर्ड करेंगे? 12,85,000 13 लाख। यस, 12,85,000, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड करेगा बुक वैल्यू में।
तो बुक वैल्यू है 13 लाख, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट तो कैश मिल गया ना, तो जितना कैश मिल गया वो तो कैश में ही रिकॉर्ड होगा, तो बचा हुआ अमाउंट जो है उतने पे हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? घुसा दिमाग में? तो ये ध्यान रखना, ये दोनों चीज थोड़ा सा ट्रिकी होता है कमर्शियल सब्सटेंस के अंदर में। पहले चेक करना क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। इफ कमर्शियल सब्सटेंस है देन वी विल रिकॉर्ड द एसेट गिवन का फेयर वैल्यू के हिसाब से। लेकिन जो फेयर वैल्यू है, जो एसेट्स हमने दिया है उसका जो फेयर वैल्यू है, उसमें से कैश पार्ट को तो हटा ही देना, बाकी जो एसेट है उतने पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यदि ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, उस कंडीशन में हम लोग एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेगा? एज पर द बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। लेकिन उस बुक वैल्यू में भी जितना कैश पार्ट मिल गया वो हटा देना, एंड रिमेनिंग आप एसेट को रिकॉर्ड कर लेना। इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो ये पार्ट भी अच्छे से हो गया अपना। अब आगे चलते हैं। एक बार हमने बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड कर लिया, अब समय आ गया यूज करते 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 हम फिर से सोच रहे हैं अब इस एसेट का वैल्यू कितना होना चाहिए बुक्स में, यानी हम पहुंच चुके हैं बैलेंस शीट डेट में। बैलेंस शीट डेट तक हम आ चुके हैं, तो बैलेंस शीट डेट में तो देखना पड़ेगा दो चीज है, एक तो कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट और रिवैल्यूएशन पढ़ा था हमने, तो कॉस्ट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इफ वी आर फॉलोइंग द कॉस्ट मॉडल तो अपने को क्या करना है? देखो उस एसेट का कॉस्ट कितना है, उसमें से आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, एंड कोई भी इंपेयरमेंट लॉस है। नाउ व्हाट इज दिस इंपेयरमेंट लॉस? एसेट की वैल्यू मार्केट में ही गिर गई। सपोज आपने एक एसेट खरीदा 10 लाख में, ठीक है, उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन है 3 लाख रुपए। 10 लाख में एसेट खरीदा, आज तक का डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए, तो एसेट का वैल्यू आपके बुक्स में होना चाहिए कितना रुपए? 7 लाख रुपीज। बट मार्केट में उसका वैल्यू हो चुका है 4 लाख रुपए, तो प्रैक्टिकली आपके बुक्स में भी तो 4 लाख में ही आना चाहिए। तो वो जो 7 लाख में दिख रहा है और दिखना चाहिए 4 लाख में, 3 लाख इज द इम्पेयरमेंट लॉस, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट अदर देन डेप्रिसिएशन। आया समझ में? व्हाट इज इम्पेयरमेंट लॉस? जब उस एसेट का रिकवरेबल वैल्यू ही गिर गया। बुक वैल्यू था 7 लाख और रिकवरेबल वैल्यू है 4 लाख, तो 3 लाख क्या है आपके लिए? इम्पेयरमेंट लॉस। इज इट क्लियर? इफ यू आर फॉलोइंग द कॉस्ट मॉडल देन हम कैसे करेगा? ईयर एंड में कॉस्ट में से पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेगा, प्लस उसको कंपेयर करेगा रिकवरेबल वैल्यू के साथ। कहीं रिकवरेबल वैल्यू मेरे बुक वैल्यू से बहुत नीचे तो नहीं है? इफ है तो हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस बोल के वो भी रिकॉर्ड कर लेगा, एंड जो बचेगा उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करता है, हम लोग एसेट को रिवैल्यू करता है बैलेंस शीट डेट में। इफ हमारा बुक वैल्यू फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, बुक वैल्यू था 10 लाख, ठीक है, फिर उसका रिवैल्यूएशन करेंगे, हो सकता है मार्केट रेट कुछ हो तो हम लोग मार्केट रेट के अकॉर्डिंग बुक्स में आइडेंटिफाई करेगा, फिर उस पे और डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, एंड देन कंपेयर करेगा रिकवरेबल वैल्यू के साथ में। इफ रिकवरेबल वैल्यू बहुत कम हो चुका है तो इम्पेयरमेंट लॉस बोल के माइनस कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ईयर एंड में एसेट्स को कितने पे रिकॉर्ड करना। और एक जो क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है कि ये रीवैल्यूएशन जो हम करते हैं, ये ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से करना चाहिए या इंडिविजुअल एसेट्स के हिसाब से करना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन जो होता है
एंटायर क्लास ऑफ पीपीई पे होता है, ब्लॉक के हिसाब से होता है, इंडिविजुअल एसेट्स का नहीं होता। सपोज आपने बिजनेस में दो ब्लॉक बना रखा है, एक प्लांट एंड मशीनरी, एक फर्नीचर एंड फिक्सचर। प्लांट एंड मशीनरी में आपकी अलग अलग तरीके की मशीन्स हैं और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में अलग अलग तरह का फर्नीचर्स है, राइट? अब जब आप रीवैल्यू करोगे ना, तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इंडिविजुअल मशीन को रीवैल्यू नहीं करोगे, पूरा प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक को रीवैल्यू करोगे। क्लियर है? फर्नीचर एंड फिक्सचर में इंडिविजुअल फर्नीचर को रीवैल्यू नहीं किया जाएगा, पूरा का पूरा फर्नीचर एंड फिक्सचर का जो ब्लॉक है, वो जो ग्रुप ऑफ एसेट्स है, उसको रीवैल्यू किया जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया ये वाला बात? यहां तक क्लियर है? हाँ अब नेक्स्ट एस बोलता है कि ये रीवैल्यूएशन का लफड़ा बहुत खतरनाक है, कब करना चाहिए रीवैल्यूएशन बिजनेसमैन को समझ में नहीं आता है। तो एस ने बोला, देखो ऐसे तो इफ आपको लगता है आपका एसेट बहुत ज्यादा मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, उसका मार्केट रेट बदलता ही रहता है, उस कंडीशन में तो आप क्या करो, एवरी ईयर अपनी एसेट का रीवैल्यूएशन करो। लेकिन यदि आपके एसेट्स का मार्केट वैल्यू एवरी ईयर नहीं बदलता, उस कंडीशन में 3 to 5 years के अंदर में आपको आपकी एसेट्स का रीवैल्यूएशन करना चाहिए। तो भैया क्या ऐसे नहीं कर सकते क्या हम, कि मेरा एसेट्स का मार्केट रेट तो हर साल नहीं बदलता, लेकिन मैं फिर भी हर साल रीवैल्यू करना चाहता हूं? करो, तुम्हारी मर्जी है। एएस रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं होता है। ये तो एएस की तरफ से रिकमेंडेशन है आपको, कि बहुत सारे बिजनेसमैन कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग को रीवैल्यूएशन कब कब करना चाहिए। तो उसको एएस ने समझाया, हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जब एएस बनाया तो उन्होंने समझाया कि इफ आपका एसेट बहुत वॉलेटाइल है, मतलब उसमें चेंजेस एकदम बार बार प्राइस बदलता है, बहुत फ्लक्चुएट होता है, उस कंडीशन में तो एवरी ईयर एंड में आप रिवैल्यूएशन करो अपनी एसेट का। लेकिन यदि आपका एसेट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट चेंज है, यानी कभी कभी उसका मार्केट रेट फ्लक्चुएट होता है, तब आपको क्या करना चाहिए, रिवैल्यू ओनली 3 to 5 years, हर 3 से 5 साल के अंदर में आपको आपकी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आया? नंबर 9 देखना। एंटिटी ए इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, इट ओन्स अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सच एज फैक्ट्रीज एंड वेयरहाउसेस एंड ऑफिस बिल्डिंग इन सेवरल कैपिटल सिटीज। द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन, वेयर एज द ऑफिस बिल्डिंग्स आर इन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटीज। बोलता है अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स है, कुछ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इंडस्ट्रियल जोन्स में है, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है उसकी वो प्रॉपर सिटीज के अंदर में। एंटिटी एज मैनेजमेंट वांट्स टू अप्लाई द रीवैल्यूएशन मॉडल एज पर AS10 टू द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। वो बोलता है कि उन लोग रीवैल्यूएशन मॉडल लगाना चाहते हैं फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल को लगाना चाहते हैं, ठीक है? तो आपसे पूछा है, बट कंटिन्यू, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन मॉडल किसके ऊपर लगा रहे हैं? ऑफिस बिल्डिंग पे, यानी जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसके ऊपर। बट कंटिन्यू टू अप्लाई द हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल टू द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ओ माय गॉड, यानी वो क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट मॉडल लगाएंगे हम हमारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पे और रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएंगे हम किसके ऊपर, ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर। तो बताइए वेदर दिस इज एक्सेप्टेबल अंडर AS10 और नॉट विथ रीजन, टेल मी। बोलो बोलो। इसमें फिर वो ब्लॉक ऑफ एसेट वाला बात आ गया क्या? यस, यहां पे देखो नॉर्मली देखा जाए तो आप लोग बोलोगे कि AS10 बोलता है कि रीवैल्यूएशन मॉडल जो है वो ब्लॉक ऑफ एसेट वाइज लगता है, इंडिविजुअल एसेट वाइज नहीं लगता है। तो बिल्डिंग्स तो बिल्डिंग होता है, तो इसको एक ब्लॉक के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है। बट इन द गिवन केस
इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग, लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूरा अलग है, तो इसको सेपरेट क्लास बाय क्लास किया जा सकता है। हेंस बिजनेस एंटिटी ए चाहे तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए कॉस्ट मॉडल लगा सकता है और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल, दोनों अलग अलग लगा सकता है बिकॉज दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स ही अलग है। इज इट क्लियर? कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आपको लिख के आना है, क्लियर है? हाँ, लेकिन यदि इफ एंटिटी ए ऐसा बोलता कि हमारी ऑफिस बिल्डिंग्स जितनी भी है सिटीज के अंदर में, उसमें से कुछ ऑफिस बिल्डिंग को हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएगा और कुछ ऑफिस बिल्डिंग को हम लोग कॉस्ट मॉडल पे करना चाहते हैं, क्या तब पॉसिबल था क्या? नहीं, जब तो मतलब एक मॉडल, एक ही मॉडल पे करना यस, चाहिए तब था। तो क्लास बाय क्लास करना होता है एज पर द A10, और सारा ऑफिस बिल्डिंग तो एक ही ब्लॉक के अंदर में आएगा, तब पॉसिबल नहीं था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, नंबर 10। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, हम लोग एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता है एंड ईयर एंड में क्या करता है, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं और कोई भी इंपेयरमेंट लॉस है वो भी माइनस करके अपने बुक्स में दिखाता है। दैट इज द कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल नॉर्मल है जो बिजनेस में एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे हम करते हैं जब खरीदते हैं तो कॉस्ट में पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया, माइनस करने के बाद जो वो बुक वैल्यू आएगा उसको कंपेयर करेगा हम लोग मार्केट वैल्यू के साथ में। इफ मार्केट में उस एसेट्स का रेट बहुत गिर चुका है तो हम लोग वही कंसिडर कर लेगा इम्पेयरमेंट लॉस मान के। क्लियर है? और रिवैल्यूएशन में भी सेम, बस ब्लॉक में होता है ना। हाँ, रीवैल्यूएशन ब्लॉक वाइज होता है और वहां पे हम एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, मार्केट रेट से पहले ही रीवैल्यू कर लेते हैं। ठीक है सर। अब देखो नंबर 10, एंटिटी ए हैज अ पॉलिसी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई कैपिटलाइज्ड इन द ईयर अंटिल द फॉलोइंग ईयर बट प्रोवाइड्स फॉर अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, इज दिस एक्सेप्टेबल? दो पढ़ा नहीं फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 10 सकोगे। एंटिटी ए बोलता है मैंने एक एसेट खरीदा है लेकिन उसको मैं हर साल डेप्रिशिएट नहीं करूंगा, जिस दिन मैं उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करूंगा उसी दिन पूरा डेप्रिशिएट करके करूंगा, क्या ऐसा अलाउड है क्या? चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंपलसरी, हर साल डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने बुक्स में एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे उस दिन से, उस मोमेंट से वो एसेट डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है और एवरी ईयर आप अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ही करोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे पॉइंट आएगा जैसे कि ये देखो, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंपलसरी, इट शुड बिगन एज सून एज एसेट इज एक्वायर्ड एंड अवेलेबल फॉर यूज और कैपेबल ऑफ यूजिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। यानी जिस दिन से एसेट पुट टू यूज हो चुका है या फिर वो वर्केबल कंडीशन में है उस दिन से ही कंपलसरी है एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं होता है कि आप 5 साल 7 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, जिस दिन बेचोगे उसी साल सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करके बेच दोगे, ऐसा नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब देखो रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, ये सेम ट्रीटमेंट आपने सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा था, फिर से पढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन में क्या बोला गया है, इफ आप एसेट को फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हो, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हो, सपोज मेरा एक फोन है 1 लाख रुपए का, मैंने उसको मार्केट के हिसाब से रिवैल्यू किया और पता चला इसकी मार्केट वैल्यू है 70,000, तो यानी क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है ना एसेट का। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने रिवैल्यू किया तो वैल्यू कम हो गया, कम हो गया तो मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा, लॉस है मेरे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 30,000 से। क्लियर है?
मेरे बुक्स में एसेट का वैल्यू 1 लाख था, मार्केट वैल्यू 70,000 है, तो 30,000 से वैल्यू गिराना है, तो एसेट्स का वैल्यू कम करूंगा तो लॉस होगा, तो मैं उसको कहाँ चार्ज कर दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू एसेट अकाउंट, 30,000 पीएनएल में चार्ज हो गया। यानी फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी एसेट को रीवैल्यू किया तो वैल्यू गिरा। क्लियर है? अब सेम एसेट मैं यूज कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। अब यूज करते करते, डेप्रिशिएट करते करते, मेरे लिए, मुझे लगता है ये एसेट 20,000 का ही है, मुझे लगता है ये एसेट मार्क अब 20,000 का ही है बुक वैल्यू। बट एक्चुअल मार्केट वैल्यू, मार्केट में आज उसको मैं बेचने जाऊं ना, तो मेरे को 60,000 रुपीज मिल सकता है, 60,000 मिल सकता है। यानी ये क्या हो गया, सेम एसेट को मैं अपवर्ड रिवैल्यू करूंगा। पहले जिस एसेट्स को मैंने डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था, अब उसी एसेट्स को मैं क्या करूंगा, अपवर्ड रिवैल्यू करूंगा। एसेट्स की वैल्यू बढ़ाना है तो मुझे एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा। एसेट अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 बुक्स में है, 60,000 तक लेके जाना है, 40,000 से एसेट अकाउंट डेबिट 40,000। अब क्या करूं, क्या ये 40,000 का फायदा पूरा का पूरा पीएनएल में क्रेडिट कर दूं क्या? नहीं सर, पहले उसको जितना डाउनलोड रिवैल्यू किया था वो करेगा शायद माइनस। यस, पहले जितना पीएनएल से आपने लॉस चार्ज किया था उतना ही वापस आप पीएनएल में डालोगे। पहले हमने 30,000 पीएनएल में डाला, पीएनएल से चार्ज किया था, तो सिर्फ 30,000 का प्रॉफिट ही पीएनएल में जाएगा, बाकी 10,000 दैट विल बी क्रेडिटेड टू योर रिवैल्यूएशन रिजर्व। इज इट क्लियर? ये था ये वाला केस कि यदि फर्स्ट टाइम आपने कोई भी एसेट्स को रीवैल्यू किया है एंड वो डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन है, देन द लॉस इज चार्ज टू पीएनएल। नेक्स्ट टाइम सेम एसेट को जब आप अपवर्ड रीवैल्यूएशन करते हो, तो जितना अमाउंट पहले आपने पीएनएल में चार्ज किया था उतना तक का प्रॉफिट तो पीएनएल में जाएगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू योर रीवैल्यूएशन रिजर्व। इज इट क्लियर? तो सर ये फिक्स एसेट टू रिवैल्यूएशन इज अप टू पीएल, ऐसा कुछ एंट्री होगा ना? यस, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? सर एक बार और ये जो 3 स्टार वाला पॉइंट है, एक बार और वापस से बता दो जाना। बता रहा हूं, ये तो मैंने उल्टा लिया था, अब मैं जो यहां लिखा वो ले रहा हूं। सपोज तुम्हारे बुक्स में एक एसेट था 1 लाख रुपए का, बुक वैल्यू है, लेकिन मार्केट वैल्यू है उसका 1,30,000 रुपए, राइट? तो तुमने क्या किया, उसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया अपने बुक्स में, इंक्रीज कर दिया वैल्यू। इंक्रीज कर दिया तो अब क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। फर्स्ट टाइम जब आप रिवैल्यूएशन कोई भी एसेट का कर रहे हो एंड उस एसेट से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, देन द प्रॉफिट इज नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल, इट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 30,000 चला गया मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। एंड द सेम एसेट नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से रिवैल्यूएशन कर रहा हूं, उसका वैल्यू कम हो रहा है, पहले 1 लाख का था, मार्केट वैल्यू 1,30,000, तो मैंने अपनी एसेट को भी 1,30,000 बना दिया, 30,000 का जो प्रॉफिट था वो मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया। अब मैं उस 1,30,000 से डेप्रिशिएट कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं, राइट? नाउ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट फॉर मी इज 80,000, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट फॉर मी इज 80,000, बट द मार्केट वैल्यू इज 40,000। बुक वैल्यू ऑफ एसेट फॉर मी इज 80,000 बट द मार्केट वैल्यू इज 40,000, तब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा वापस। अब जब मैं एसेट का वैल्यू को कम करूंगा तो एसेट क्रेडिट होगा, कितने से क्रेडिट होगा, 80,000 का बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 40,000 है, तो 40,000 से एसेट को कम करना पड़ेगा, तो हाँ एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा 40,000 से। तो ये क्या 40,000 पूरा का पूरा लॉस में पीएनएल में चार्ज करूं क्या? पहले नहीं, इसमें से पहले 30,000 तीस हजार रिवैल्यूएशन दो से है। निकलेगा। यस, 30,000 में रिवैल्यूएशन रिजर्व से लूंगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, एंड 10,000 में पीएनएल में चार्ज करूंगा। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, इफ आप फर्स्ट टाइम कोई भी एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो,
देन द प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड सब्सिक्वेंटली पहली बार जो इंक्रीज हुआ था इनिशियल, और ये दूसरा केस हो गया, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली यदि उसको डिक्रीज कर देते हम जो पहले इंक्रीज किया था आपने, तो फर्स्टली एडजस्ट विथ रिवैल्यूएशन सरप्लस अप टू द अमाउंट इनिशियली क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन देन बैलेंस चार्ज टू पीएनएल। अब समझ में आया? हाँ सर, एंड सिमिलरली फर्स्ट टाइम हमने डिक्रीज किया तो जितना लॉस था वो पीएनएल में चार्ज करो, लेकिन सेम एसेट यदि नेक्स्ट टाइम आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या करो, जितना प्रॉफिट हो रहा है पहले जितना पीएनएल से लिया था उतना पीएनएल में क्रेडिट करो, एंड द एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। इज इट क्लियर? यस सर। एंड इफ रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ बैलेंस बच जाए और आपने उस एसेट को अपने बुक से निकाल दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया, खत्म, बोले ये हमारी काम की नहीं है, बट स्टिल उस एसेट्स के रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके बुक्स में था, तो अब वो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कोई काम का नहीं, अब तो फ्यूचर में उस एसेट को रिवैल्यू करोगे भी नहीं क्योंकि आपने अपने बुक से ही निकाल दिया उसको, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू रेवेन्यू रिजर्व। इज इट क्लियर? रिवैल्यूएशन सरप्लस इज ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व व्हेन द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड, यानी जब आपने अपने बुक से उस एसेट को निकाल दिया, डिस्कार्ड कर दिया, सेल कर दिया, अब उस एसेट के रिगार्डिंग जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके बुक्स में था दैट विल बी ट्रांसफर टू योर रेवेन्यू रिजर्व। इज इट क्लियर? डन है? यस सर। इफ रिवैल्यूड एसेट आर डेप्रिशिएटेड देन द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू शैल बी अमोर्टाइज्ड फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये क्या बोला, नहीं समझ में आया क्या? देखो ये क्या बोल रहा है, सपोज बुक वैल्यू था एसेट का 1 लाख, फेयर वैल्यू हुआ 1,30,000, तो हम लोग क्या करेगा, एसेट का वैल्यू बढ़ाएगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 30,000, ये कर देंगे। अब हमारे बुक्स में एसेट का वैल्यू कितना, 1,30,000 हो गया। अज्यूम द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा 1 साल का, बोलो। 13,000 13,000। अरे अब तो एसेट का वैल्यू 1,30,000 है ना, इफ 10% का डेप्रिसिएशन है तो 13,000, 13,000 का डेप्रिसिएशन होगा हमारा। लेकिन सोचो कि आपने रिवैल्यूएशन नहीं किया होता, ओरिजिनल वैल्यू पे ही चीजें रहती, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना होता, 10,000 10,000 रिवैल्यूएशन की वजह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 3,000 तो ये 3,000 रुपए जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है ये तो पीएनएल में गया ही है। नाउ इतने से रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आप राइट ऑफ कर दोगे, 3,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकलेगा और चला जाएगा कहां, बोलो ऐसा क्यों किया, जब आपने डेप्रिसिएशन 13,000 रुपए दिखाया वो पीएनएल में गया, यानी आपका प्रॉफिट कम हो गया 3,000 से, राइट? कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने क्या किया, फिर से जनरल रिजर्व बढ़ा दिया अपना, तो तुम्हारा रिजर्व्स एंड सरप्लस तो इंटैक्ट रहा ना, क्योंकि ये तो रिवैल्यूएशन की वजह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्यों शेयर होल्डर परेशानी भुगते इसके लिए। इज इट क्लियर? तो बोलता है रिवैल्यूएशन की वजह से व्हाट एवर बी द एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वी आर चार्जिंग उतना ही अमाउंट आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। इज इट क्लियर? डन है?
यस सर। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन करने का टेक्निक, एक होता है नेट टेक्निक और एक होता है ग्रॉस टेक्निक। नेट टेक्निक क्या है? सबसे पहले एसेट का कॉस्ट, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू मिल गया, बुक वैल्यू को कंपेयर कर लो मार्केट वैल्यू के साथ एंड एसेट्स को रीवैल्यू कर लो। इज इट क्लियर? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो एसेट का वैल्यू था बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसमें से पूरा साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया एंड देन ईयर एंड में उसको मार्केट रेट से कंपेयर करके रीवैल्यू कर देंगे। इज इट क्लियर? दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है कि आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन राइट ऑफ मत करो, एसेट का जो ग्रॉस वैल्यू है उसको बढ़ा दो, एसेट का जो ग्रॉस वैल्यू है जस्ट उसको इंक्रीज कर दो एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जितना ग्रॉस वैल्यू इंक्रीज किया उतने से जो डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है उतने से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दो। समझ में आया? डू नॉट राइट ऑफ जस्ट इंक्रीज एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाई परसेंटेज इंक्रीज ड्यू टू रिवैल्युएशन। नहीं समझ में आया? देखो, सपोज एसेट था 10 लाख रुपए का और उसपे आज तक का डेप्रिसिएशन है 5 लाख रुपए। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट हो गया लेट से सपोज 6 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 6 लाख। तो पहले कंडीशन में तो क्या बोला, बुक वैल्यू क्या होगा 5 लाख, राइट। तो पहले में बोल रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करके आप क्या करो, रीवैल्यू कर दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने राइट ऑफ किया, एसेट की कॉस्ट में से आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो बुक वैल्यू इतना है, मार्केट वैल्यू इतना है, तो हम हमारे बुक्स में क्या करेंगे, रीवैल्यू कर देंगे। एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख, 6 लाख का हो गया एसेट। सेकंड में क्या बोल रहा है पता है, जस्ट इंक्रीज द एसेट, यानी 1 लाख रुपए एसेट का वैल्यू बढ़ा दो, 1 लाख रुपए एसेट का वैल्यू बढ़ा दो, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा दो जितने परसेंटेज से आपका एसेट बढ़ा है। रीवैल्यूएशन की वजह से कितना परसेंटेज का एसेट का वैल्यू बढ़ गया, 10%, 10% है ना, ये 1 लाख रुपए इसका बोलता है 10% से ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दो, हो गया। योर न्यू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वैल्यू विल बी 5,50,000 एंड दिस विल बी 11 लाख। ये बोल रहा है आपको ग्रॉस टेक्निक। इज इट क्लियर? इसमें सर माइनस वाइनस का भी कुछ नहीं दिखाना? नहीं, इसमें सीधा ग्रॉस टेक्निक में क्या होता है, सिंपली हमने एसेट का ओरिजिनल वैल्यू भी बढ़ा दिया और एसेट का आज तक का डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दिया। और नेट टेक्निक में क्या कर, क्या चीज? नहीं ओके बोल रहा हूँ। हाँ, और नेट टेक्निक में क्या होता है, सीधा बुक वैल्यू से कंपेयर करके हम एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन, इच आइटम ऑफ पीपी शुड बी डेप्रिशिएटेड डिफरेंटली हुज कॉस्ट कैन बी सिग्निफिकेंटली आइडेंटिफाइड। इसका मतलब है कि जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के अंदर उसका इंजन अलग हो सकता है, वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके बॉडी का वैल्यू अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
वो दोनों एक डिफरेंट एसेट है। बोलता है इफ आप एसेट्स के अंदर में सब पार्ट करके उसके कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इंडिविजुअल आइटम को डेप्रिशिएट किया जाएगा। ईच आइटम ऑफ पीपी शुड बी डेप्रिशिएटेड डिफरेंटली हुज कॉस्ट कैन बी सिग्निफिकेंटली आइडेंटिफाई। इज इट क्लियर? एंड डेप्रिसिएशन चार्ज इज रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेप्ट। ये AS2 और AS26 का कहानी है जो आपको नहीं चाहिए। नॉर्मली हमें दिमाग में रखना है कि डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा, पीएनएल में दिखाते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने में खरीदा माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो वैल्यू बचा है उसी को तो हम डेप्रिशिएट करते हैं। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करने के बाद जो वैल्यू होगा उसी को तो हमें डेप्रिशिएट करना है, उसी को डेप्रिशिएबल वैल्यू बोलेंगे। फिर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंपलसरी। क्लियर है? यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड लाइफ, एंड वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। एंड एवरी ईयर एंड में, एवरी ईयर एंड वी शुड रिव्यू द लाइफ ऑफ द एसेट। क्या जितना हमने सोचा था उतना साल चलेगा क्या? कहीं उससे कम तो नहीं है? इफ कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवाइज करेगा डेप्रिसिएशन। इफ एक्सपेक्टेशन डिफर्स फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट्स, और हमें लगता था, सपोज हमने जब एसेट को रिकॉर्ड किया हमें लग रहा था एसेट 10 साल चलेगा, 2 साल तक यूज किया हमने, अब एसेट और 8 ईयर्स तक रन करना चाहिए, बट अब हमें लग रहा है कि ये और 4 साल ही चलेगा। 8 साल तक तो नहीं चलेगा अभी, ये 4 साल ही और चलेगा। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू बचा है वो मुझे 4 साल में राइट ऑफ करना है, राइट? तो ये जो है इसको हम लोग बोलता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। हमारा एस्टिमेशन खराब था तो इसको एज पर AS5 डिस्क्लोजर करना होता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? फिर डेप्रिसिएशन इज चार्ज प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। इनकम टैक्स में पढ़ा होगा आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब चेंजेस पीछे से जाके करना है, बट डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं होता। कोई भी एसेट की वैल्यू में आपने चेंजेस किया है तो जिस दिन चेंज किया है उस दिन के बाद से वो डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज होगा, पीछे जाके हम कुछ नहीं करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं होगा, सब कुछ प्रोस्पेक्टिवली होगा यानी फ्यूचर में होगा। इज इट क्लियर? फिर डेप्रिसिएशन कब सीज हो जाएगा? हम किस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देंगे? जब हमारा बुक वैल्यू इज लेस देन द स्क्रैप वैल्यू। व्हेन स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट इज हायर देन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, उस दिन हम लोग क्या करेगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देगा। क्लियर है? डेप्रिसिएशन कब तक चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज लोअर देन इट्स स्क्रैप वैल्यू। लेकिन स्क्रैप वैल्यू ही ज्यादा है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेगा? डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा। या फिर जिस दिन आपने एसेट को रिटायर कर दिया फ्रॉम एक्टिव यूज, एक्टिव यूज का मतलब छोड़ दिया, अब नहीं यूज करेंगे इसको धंधे में, उस दिन से। एंड इंटेंशन क्या था? एंड एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। जस्ट यूज नहीं कर रहे डज नॉट मीन हमने उसको रिटायर कर दिया। यूज भी नहीं कर रहे एंड हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, उस दिन से आप क्या करोगे? उस एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करोगे। इज इट क्लियर? या फिर आपने क्या किया, उस एसेट को डी रिकॉग्नाइज ही कर दिया, अपने बुक से हटा ही दिया, तो ऑब्वियस है उस दिन से हम लोग एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। इस दोनों में विच एवर इज लोअर। सपोज मेरा एक लैपटॉप है, मैंने यूज करना बंद कर दिया, नया लैपटॉप खरीद लिया, राइट? तो बताओ जो पुराना लैपटॉप मैं नहीं यूज कर रहा हूं क्या उस पर डेप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा? मेरे पास एक लैपटॉप था, मैंने वो यूज करना बंद कर दिया, मैंने एक नया लैपटॉप खरीद लिया, मैं वही यूज करता हूँ, वो पुराना वाला यूज ही नहीं करता हूँ, तो टेल मी क्या पुराना वाला एसेट डेप्रिशिएट होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा। होगा मैंने जस्ट यूज करना बंद किया, क्या मैंने ऐसा बोला हेल्ड फॉर डिस्पोजल है कि मुझे इसको सल्टाना है, बेचना है, आई एम लुकिंग फॉर ए बायर? ऐसा तो नहीं ना, राइट? इज इट क्लियर?
पॉइंट समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा था? तो आई होप दिस इज क्लियर कि कब आपके बुक्स में डेप्रिसिएशन सीज हो जाएगा। सीज होने का मतलब बंद हो जाएगा कि हम एसेट को और डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? फिर ये सारे मेथड्स अपने को पता है, SLM, WDV, प्रोडक्शन यूनिट मेथड नॉर्मल है जो आप बचपन से सीखते आए हो, इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। देन ध्यान रखना, यदि आप कोई मेथड को चेंज करते हो, इट शुड बी अकाउंटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एज पर AS5, नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एनी चेंजेस विल हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और व्हाट एवर मेथड यू आर चेंजिंग, जैसे कि पहले हमने सोचा था स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे, तो हम SLM लगा रहे थे 4 साल से, 5 साल से। अब अचानक 5 साल बाद हमें लगता है नहीं, हम WDV मेथड यूज करेंगे, तो हम WDV लगाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पहले साल से पहले WDV से कैलकुलेट करके फिर रिवाइज वैल्यू निकालेंगे। जिस डेट में ये सोचा उस दिन से हम WDV लगाना स्टार्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? लास्ट सेगमेंट इस AS का, ठीक है? उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। नंबर 11 देखो। एंटिटी ए परचेज्ड एन एसेट ऑन 1st of January फॉर ₹1 लाख एंड द एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू नील। बोलता स्क्रैप वैल्यू 0 है, लाइफ है 10 साल, खरीदा है ₹1 लाख में 1 जनवरी 2000 X1 को। ऑन 1st January X5 द डायरेक्टर्स रिव्यू द एस्टिमेटेड लाइफ एंड डिसाइडेड दैट द एसेट विल प्रोबेबली बी यूजफुल फॉर अ फर्दर ऑफ 4 इयर्स। ओ माई गॉड, जब इंस्टॉल किया था तब लग रहा था 10 साल चलेगा। हमने X1, X2, X3, X4 4 साल तो यूज कर लिया, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन तो लगा चुके होंगे ना हमने। एवरी ईयर कितना डेप्रिशिएट चार्ज कर रहे थे हम? हाँ ₹10,000। तो 4 साल के लिए ₹40,000 तो डेप्रिशिएट हो चुका ये। तो जिस दिन हमने सोचा उस दिन का बुक वैल्यू कितना है एसेट का? 8,060 अब हम एसेट कितने साल यूज करने वाले हैं? और 400। तो 4 साल में पूरा वैल्यू को राइट ऑफ करना है। तो व्हाट विल बी अवर डेप्रिसिएशन फॉर 2000 X5? 15,000 15,000 समझ में आया? नो रेट्रोस्पेक्टिव, सीधा प्रोस्पेक्टिव। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इफ कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। आया समझ में? तो पहला 4 साल के लिए डेप्रिसिएशन होगा एवरी ईयर 10,000 10,000 10,000 10,000 एंड फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स डेप्रिसिएशन विल बी 15 15 15 15। इज इट क्लियर? यस 12 एंटिटी बी कंस्ट्रक्ट अ मशीन फॉर इट्स ओन यूज। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1st of November बट द कंपनी डज नॉट बिगिन यूजिंग द मशीन अंटिल 1st of March। कमेंट। मतलब बोलता है बन के रेडी था 2000 X1 में, बट वो यूज कब करना स्टार्ट किया? 1st March X2 को। इसका मतलब वो सोचेगा कि डेप्रिसिएशन कब से करूं, जब से यूज करना स्टार्ट किया तब से होगा क्या? अवेलेबल यूज नहीं सर, पहले से ही होगा। यस, पुट टू यूज या फिर वर्केबल कंडीशन में जिस दिन आ जाता है एसेट, उसी दिन से एसेट कंपलसरीली डेप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। यही आपको लिख के आना है। नेक्स्ट, अ प्रॉपर्टी कॉस्टिंग ₹10 लाख इज बॉट इन 2000 X1। इट्स एस्टिमेटेड टोटल फिजिकल लाइफ इज 50 इयर्स। हाउएवर द कंपनी कंसिडर इट लाइकली दैट इट विल सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल बाद बेच देगा। द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 20 इयर्स टाइम बेस्ड ऑन X1 प्राइस इज 10 लाख केस ए एंड केस बी में 9 लाख है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपसे डेप्रिसिएशन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है, फटाफट निकाल के बताओ। केस ए में तो 0 है, केस बी में 5,000 होगा। यस, बिकॉज
हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस वैल्यू। स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, इज इट क्लियर? तो कॉस्ट वैल्यू 10 लाख खरीदा, 20 साल बाद उसका स्क्रैप वैल्यू 10 लाख मिल जाएगा, तो मतलब हमें डेप्रिशिएट करना नहीं है। लेकिन सेकेंड केस में कॉस्ट है 10 लाख, 9 लाख का स्क्रैप वैल्यू है, तो 1 लाख का तो डेप्रिशिएट करेंगे। अब एवरी ईयर कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 करेंगे या डिवाइडेड बाय 50 करोगे? 20 तो20 तो आप बेच ही देगा, हाँ, 20 क्योंकि उसके बाद तो बेच देगा ना। उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलो। कंपनी के पास जब तक रहेगा डिप्रिसिएशन तो जब तक ही होगा। यस, क्योंकि यहां पे सुनो आप, मतलब वो नहीं था बेच देगा, वो आंसर पूरा गलत है। आपका क्वेश्चन का वर्डिंग्स के ऊपर था खेला। आपने जो बोला कि उसके बाद बेच देगा इसलिए हम लोग 20 इयर्स दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। फिजिकल लाइफ है, फिजिकल लाइफ मतलब जिसने इस एसेट को बनाया था उसको लगता है कि ये 50 साल चलेगा, लेकिन कंपनी जो खरीद रहा है ना उसके हिसाब से तो ये उनके बिजनेस में कितने साल तक चलेगा? 20 साल तक। तो हम लोग तो कंपनी के बुक्स में डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना, ये डिफरेंस था इसके अंदर में। इसमें वो वाला सेकेंड पॉइंट लागू हो जाएगा ना, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज और डिस्पोज वाला। अच्छा वो तो उस दिन से सीज हो जाएगा डेप्रिशिएट होना। बट हाँ, यहाँ पे जो आप लोगों ने बोला कि डिवाइडेड बाय, भैया 10 लाख माइनस 9 लाख डिवाइड बाय 20 इयर्स करेंगे, ये 20 ईयर लेने का इसलिए रीजन था क्योंकि कंपनी के लिए यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है 20 इयर्स। ये तो फिजिकल लाइफ है, फिजिकल लाइफ का मतलब होता है जिसने प्रोड्यूस किया था, जिसने इस एसेट्स को बनाया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस एसेट का फिजिकल लाइफ है 50 साल। लेकिन कंपनी को लगता है लाइकली 20 साल ही चलेगा, तो 20 साल के हिसाब से ही तो राइट ऑफ करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। क्लियर है? हाँ इसीलिए यहां डिवाइडेड बाय 20 इयर्स हुआ। लेकिन यहां पे कंपनी को लगता कि 50 साल तक यूज करेंगे, ठीक है, एंड 20 साल में वो बेच रहा है, तब कहानी अलग हो जाता पहले साल का डेप्रिसिएशन में। सर, तब हम लोग क्या करता, तब हम लोग 50 पूरा साल ही पचास। लेता, पहले साल में तो उसको लग ही रहा है ना 50 साल तक यूज करेगा, हाँ तब फिर 50 लेता। सर, नेक्स्ट अगर देखो। ऐसा होता, लाइफ 50 साल है लेकिन 20 साल बाद बेच देगा, हाँ, 20 साल बाद बेच देगा, ये कब पता चला? पहले लेकिन ही सोच के रखा लाइकली, था। हाँ पहले साल ही पता चलेगा तब तो बात ही अलग कहानी है ना। फिर क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और होता है। यहाँ पे देखो, क्या ये फिजिकल लाइफ बोला? फिजिकल लाइफ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, क्योंकि कंपनी को तो आगे जाके लैंग्वेज बोल ही दिया ना। कंपनी का लाइन तो बाद में हाउएवर के बाद से स्टार्ट हो रहा है। सर मान लीजिए 3 साल के बाद इसको लगता है कि नहीं, अब हम इसको हम बेच देगा बोल के, तो हाँ, फिर क्या 3 साल के करते बाद लगता ना, तो पहले 3 साल हम लोग 50 साल के हिसाब से ही डेप्रिशिएट करते, हैं वो? ओ समझ गया। और फिर बाकी और का फिर क्या उसके घटता, मतलब फिर पीपीएल में लेके चला जाता है उसको, जो भी प्रॉफिट या लॉस बाकी का होता। जो वैल्यू बचता ना रिमेनिंग 17 इयर्स के हिसाब से राइट ऑफ कर देते। समझ गया। नेक्स्ट 14, एंटिटी बी मैन्युफैक्चर्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड यूजेस ब्लेंडिंग मशीन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। द आउटपुट ऑफ द ब्लेंडिंग मशीन इज कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड दे कैन बी यूज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हाउएवर, मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड ए न्यू जनरेशन ऑफ मशीन विद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर एग्जिस्टिंग मशीन इज अवेलेबल एवरी 5 ईयर्स, सजेस्ट द डेप्रिसिएशन मेथड्स टू द मैनेजमेंट। बताइए भाई कौन सा मेथड लगाना चाहिए, विच इज मोर सुटेबल? बोलो।
एसएलएम लगा के 5 साल में राइट ऑफ कर देना चाहिए वैल्यू फिर नया क्योंकि यहाँ पे तो हर 5 साल में इसका खर्चा बढ़ रहा है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेस ईयर ऑन ईयर और हर साल बढ़ता जाएगा। और आपको बोला है न्यू जनरेशन ऑफ मशीन विद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर एग्जिस्टिंग इज अवेलेबल एवरी 5 ईयर, और हर 5 साल में आपको एक नया एडवांस मशीन मिल जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी मशीन का कॉस्ट है उसको 5 साल में राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो 5 साल में राइट ऑफ करने का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। लाइफ पता चल गया ना हमें, जब भी एसेट का लाइफ पता होता है इट्स बेटर दैट वी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? क्लियर है? मतलब यस सर सर। इसमें तो सीधा वो वाला बात हो गया, जब मेरे को ज्यादा डेप्रिसिएशन मतलब करना है मेरे एसेट को, तब तो मेरे को एसएलएम करना चाहिए क्योंकि हाँ, उसमें ज्यादा ज्यादा का बात डेप्रिसिएशन नहीं है, होता है। एसएलएम में ज्यादा नहीं होता, एसएलएम में एक फिक्स्ड अमाउंट से डेप्रिशिएट होता है, एसएलएम में सर फिक्स्ड अमाउंट से डेप्रिशिएट। हाँ एसएलएम हम लोग तब यूज करते हैं ना आउटपुट, जब हम लोग का इवन निकलता है एवरी ईयर। यस, आउटपुट इज कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्योंकि हमारा हाँ इससे प्रोडक्शन में तो कोई इंपैक्ट हो ही नहीं रहा है, आउटपुट तो एवरी ईयर सेम ही जा रहा है मेरा। जब सब कुछ कंसिस्टेंट है ईयर टू ईयर, इवन लाइफ भी पता है, तो उस कंडीशन में उस एसेट को यूज भी हम वैसे ही कर रहे हैं। जब आपका आउटपुट फ्रॉम ए एसेट इज कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, प्लस यू नो कि आफ्टर एवरी 5 ईयर तो मुझे रिप्लेस करना ही है, वरना उसका जो मेंटेनेंस खर्चा है बहुत महंगा पड़ेगा ईयर ऑन ईयर, तो 5 साल में पूरा का पूरा राइट ऑफ करना है। तो जब लाइफ पता है तो इट इज बेस्ट टू गो फॉर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ आउटपुट वेराई करता ना तो हम लोग प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी लगा सकता था। बहुत सारा मशीन प्रोडक्शन यूनिट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेप्रिशिएट होता है, जैसे कि प्रिंटर। प्रिंटर लाइफ वाइज डेप्रिशिएट नहीं होता, वो नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट के हिसाब से डेप्रिशिएट होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एंटिटी ए कैरीड प्लांट एंड मशीनरी इन इट्स बुक्स एट 2 लाख, दीज वेर डिस्ट्रॉयड इन अ फायर, द एसेट वेर इंश्योर्ड न्यू फॉर ओल्ड एंड वेर रिप्लेस्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी विथ न्यू मशीन दैट कॉस्ट ₹20 लाख, द मशीन वेर एक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड द कंपनी डिड नॉट रिसीव ₹20 लाख एज कैश कंपनसेशन, स्टेट हाउ एंटिटी ए शुड अकाउंट फॉर द सेम। क्या हुआ, एंटिटी ए का बुक्स में एक मशीन था जिसका बुक वैल्यू था 2 लाख, आग लग गया और वो मशीन खत्म, लेकिन हमें टेंशन नहीं था, हमने इंश्योरेंस करवा रखा था। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या किया, ये एसेट लेके चला गया, ठीक है, और इस एसेट के बदले में हमें एक नई एसेट दे दी, सेम एसेट जिसका मार्केट वैल्यू ₹20 लाख था। तो एक बात बताओ, इंश्योरेंस करवा रखा है, या तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा या एसेट मिलेगा, दोनों में से दोनों चीज थोड़ी मिलती है, या तो वो आपको एसेट दे देंगे या आपको पैसा दे देंगे ताकि आप जाके उसको परचेज कर लो। तो यहाँ पे यही बोला कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एसेट दे दिया, कैश नहीं दे रहा, तो हमें नहीं चाहिए, हमें या तो एसेट के बदले में एसेट दो या एसेट के बदले में पैसा दो। इज इट क्लियर? तो बताओ कैसे आप इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, जो बोलो। 2 लाख का वैल्यू था उसको राइट ऑफ कर देगा और जो 20 लाख का वैल्यू उसको रिकॉर्ड कर देगा। यस, सबसे पहले 2 लाख का जो एसेट था उसको डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पुरानी एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज करेंगे और नई एसेट्स को हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो जब पुरानी एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू एसेट अकाउंट 2 लाख, निकल गया हमारे बिजनेस से एसेट, गया डी रिकॉग्नाइज हो गया। अब ये लॉस क्या आपके लिए लॉस है, इंश्योरेंस कंपनी तो इसका पैसा दे ही रहा है ना, ये लॉस आप किसको ट्रांसफर कर दोगे, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दोगे।
आपके लिए तो ये लॉस है ही नहीं। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या दे रही है? एसेट दे रही है 20 लाख का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से मिलना कितना था? 2 लाख। तो वो जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। आया समझ में? 18 लाख का मतलब प्रॉफिट हो गया। हाँ, 2 लाख का ही बुक वैल्यू का एसेट जला, तुमको नया 20 लाख का मिल गया, तो प्रॉफिट ही हुआ ना। अच्छा वाला इंश्योरेंस कंपनी है ये तो। अरे तो तुम बुद्धि लगाया है, दिवाली के टाइम आग लगवा दिया। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट प्रॉब्लम? सर इस टाइप के क्वेश्चन में एकदम ऐसा भी आता है कि 60% ही इंश्योरेंस वाला जो है वो क्लेम दिया हुआ है, वैसा टाइप का भी भेज देता है क्वेश्चन क्या चीज? कि मतलब कभी कभार दे देते, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या कि मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ 60% का ही मतलब क्लेम हम लोग को दे दिया और फिर बाकी 40%, हाँ, वैसा टाइप बाकी का आ लॉस हो सकता गया। हाँ, बाकी लॉस हो गया हमारे लिए, समझ गए। तो बाकी फिर उसको लॉस पीएल में डेबिट करके दिखाएगा। हो गया। हाँ, ठीक है सर। देन देखो नंबर 17। एबीसी लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग ए न्यू प्लांट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी, इट इज इनकर्ड दीज कॉस्ट। ये सारा खर्चा उसने किया है। आपको एडवाइस करना है एबीसी लिमिटेड को ऑन द कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज इन अकॉर्डेंस विद AS 10। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कैपिटलाइज्ड होगा, यानी प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द प्लांट क्या ये होगा? हाँ भी सर 43 लाख होगा क्या? हाँ, कुछ वैसा ही ये हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस्ट होगा हाँ साइट प्रिपरेशन, होगा कंसल्टेशन यूज्ड, होगा इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट। नहीं होगा। बोलो। ये नहीं होगा सर क्योंकि ये हम लोग पेमेंट कर सकता था, हम लोग ही उससे उधार लिया। यस, एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, यानी ये नहीं होगा। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, हाँ डीकमिशनिंग वाला पार्ट हो गया ना ये। यस, ये डीकमिशनिंग कॉस्ट है, होगा। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, नहीं ऑपरेटिंग लॉस होगा या नहीं होगा? बोलो रे। नहीं होगा। नहीं होगा, ऑपरेशनल लॉस हो गया ना ये तो। अब आप कमर्शियल प्रोडक्शन करो चाहे नहीं करो, आपका प्लांट तो रेडी है। ट्रायल फेज में आप कोई भी खर्चे करो, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। इज इट क्लियर? तो 25 लाख बनेगा, 2 लाख बनेगा, 6 लाख बनेगा, 7 लाख एंड 3 लाख, इसको ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ द प्लांट पता चल जाएगा, जितने रुपीस से हम लोग को अपने बुक्स में कैपिटलाइज करना है। इज इट क्लियर? कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट हानि AS 10 को रिवाइज करने में? एक लास्ट पार्ट जो है वो अपन कर लेता है, उसके बाद AS 10 पूरा कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। उससे ज्यादा आपके स्टडी मैट में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। जितने क्वेश्चन थे हमने सारे कवर कर लिए आपके स्टडी मैट के। देखो एक लास्ट पार्ट, अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमिशनिंग रिस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, डीकमिशनिंग कॉस्ट मैंने पहले भी बताया था जब स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे थे कि डीकमिशनिंग कॉस्ट क्या होता है। फ्यूचर में जब आप उस जगह को डिसमेंटल करोगे, उस एसेट को डिसमेंटल करोगे, तब जो कॉस्ट लगता है उसको डीकमिशनिंग कॉस्ट करते हैं।
आज जब हम अपने बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड करें तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करके रिकॉर्ड करते हैं एस्टिमेशन के हिसाब से। हो सकता है हमारा एस्टिमेशन चेंज हो जाए आगे चल के, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स आपको पता चले कि डी कमीशनिंग कॉस्ट जो आपने पहले ऐड किया था एसेट की कॉस्ट में, लेट्स से अज्यूम 2 लाख रुपए ऐड किया था, राइट? अब आपको लगता है कि उसको डिसमेंटल करवाने में सिर्फ 1 लाख का ही खर्चा आएगा, उतना खर्चा लगेगा ही नहीं 2 लाख रुपए, तो यानी आपने एसेट की कॉस्ट को ज्यादा दिखा रखा था। इफ एसेट की कॉस्ट ज्यादा दिखाई थी तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा क्लेम किया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यानी अब अपने को क्या करना पड़ेगा, एसेट की कॉस्ट को कम करना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 लाख का कॉस्ट कंसिडर किया था इनिशियली, अब पता चला कि 1 लाख का ही खर्चा लगेगा, तो हम लोग क्या करेगा, एसेट की कॉस्ट को उतने से कम कर देंगे। इफ हमें पता चले कि हमने जब इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था तो एसेट की कॉस्ट में 2 लाख रुपए का डीकमीशनिंग कॉस्ट ऐड किया, लेकिन आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स हमें पता चला कि डीकमीशन करवाने में 4 लाख का खर्चा आएगा, तो जिस दिन पता चलेगा उस ईयर हम लोग एसेट की कॉस्ट को 2 लाख से बढ़ा देंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। तो बस वही करना है, और बढ़ा के फिर आपने जो रिवैल्यूएशन मॉडल में या फिर जो सीखा था उसको हम लोग क्या करेगा, देखो इफ लाइबिलिटी कम हो गया, लाइबिलिटी कम होते ही मुझे क्या करना है, मैंने सोचा था 2 लाख का कॉस्ट होगा बट खर्चा लगने वाला 1 लाख, तो 1 लाख से मुझे एसेट की कॉस्ट को कम करना है ना, राइट? 1 लाख से एसेट की कॉस्ट को कम करूंगा तो एसेट तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन वो जितना खर्चा मैं फ्यूचर में करने वाला था उसके लिए प्रोविजन बना रखा होगा, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग बोल के, तो उस प्रोविजन को भी मैं क्या करूंगा, कम कर दूंगा। बट इफ इनिशियल रिकॉग्निशन में मैंने 2 लाख रुपए का डीकमीशनिंग कॉस्ट पकड़ा था बट फ्यूचर में पता चला कि 4 लाख का डीकमीशनिंग कॉस्ट होगा, तो अभी मुझे एसेट की कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, तो एसेट की कॉस्ट को बढ़ाऊंगा 2 लाख से तो डेबिट, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्यूचर में होने वाले खर्चे का जो प्रोविजन है वो वैल्यू भी बढ़ाना पड़ेगा, तो अपन क्या करेगा, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग भी बढ़ा देगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? एंड रीवैल्यूएशन मॉडल में तो क्या होता है, या तो वो रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा या फिर हम पीएनएल में चार्ज करेंगे। लाइबिलिटी कम हो रहा है यानी फायदा हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है मतलब फायदा हो रहा है आपको, तो दैट प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड, प्रोविजन कम हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट डेबिट, एंड दैट प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। एंड इफ लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ना इज लॉस, दैट विल बी चार्ज टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? एसेट अकाउंट डेबिट या फिर आई कैन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट। दिमाग में रहेगा ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? और सर ये डेप्रिसिएशन का फिर क्या होगा? डेप्रिसिएशन जो रिवाइज्ड वैल्यू है उसके हिसाब से करेंगे चार्ज। ओके, जो कर दिया वो कर दिया। हाँ, जो हो गया वो हो गया, डेप्रिसिएशन में कुछ भी रेट्रोस्पेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, सब कुछ प्रोस्पेक्टिव होगा। क्लियर है? एंड जब आप एसेट को रिटायर करते हो, रिटायर करने का मतलब क्या, बुक से हटाना, रिटायरमेंट ऑफ एसेट के केस में कैसे देखना है, इट इज वैल्यूड एट कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू, ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, वॉट एवर बी द लॉस इट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि सपोज कैरिंग अमाउंट है आपका 20,000 बुक वैल्यू, एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकल के आता है 10,000, तो हम हमारे बुक्स में कितने में रिटायर करेंगे, 10,000, देन एक्स्ट्रा 10,000 विल बी ट्रीटेड एज लॉस,
मतलब जैसे हम एसेट को सेल करने का एंट्री करता है वैसे ही यहां पे एंट्री करना है आपको, क्लियर है। और ये लास्ट लाइन जो आप बचपन से सीखते आए हो कि जब भी हम एसेट को सेल करते हैं एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल या डी रिकॉग्निशन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज इट क्लियर। इससे ज्यादा AS 10 में आपका कुछ भी नहीं है, यानी मोटा मोटी AS 10 दिखने में बड़ा है बट है एकदम छोटा सा, छोटे छोटे सेगमेंट वाइज यदि आप लोग अच्छे से रिवाइज करोगे तो AS 10 बड़ा नहीं है। आप एक सेगमेंट को पढ़ो उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लो तो आपको रिदम आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि एक AS को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, इज इट क्लियर। किसी का कोई डाउट है AS 10 में तो मैं ले सकता हूं अभी, ठीक है, एल्स AS 10 इज डन। आरटीपी आरटीपी का क्वेश्चन कर लेते हैं, रिसेंट टाणा टाणा कहाँ गया, रिसेंट आरटीपी, रिसेंट आरटीपी नवंबर 23, लेट्स डू इट। आईसीआई का डाउनलोड कर लेते हैं एक बार वेबसाइट से, ठीक है। देखो नवंबर 23 में अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कितने पे अपन रिकॉग्नाइज करेगा। तो 25 लाख कॉस्ट का पार्ट बनेगा, इनिशियल डिलीवरिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, साइट प्रिपरेशन बनेगा, कंसल्टेंट का कॉस्ट ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज डेफर्ड के लिए नहीं बनेगा कॉस्ट का पार्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ऑपरेटिंग लॉसेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, और एक देखते, मजा नहीं आया इसमें नवंबर 23 में, मजा नहीं आया, लेट्स गो मई 23 में कुछ था क्या? सेम वैसा ही, स्टार लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 6,80,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, क्या जीएसटी कॉस्ट का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा, रिफंडेबल है। रिफंडेबल है, तो 6,80,000 में से 40,000 माइनस हो जाएगा। इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर एंटायर अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग अदर एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है, बाकी सारा खर्चे में देख लेते हैं कौन सा हमारे कॉस्ट का पार्ट बनेगा, इज इट क्लियर। कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइट फॉर इंस्टॉलेशन ये बनेगा, हाँ बनेगा। टोटल लेबर चार्जेस 56,000 का लगा है, ब्रैकेट में कुछ लिखा है 200 आउट ऑफ द टोटल ऑफ 500 मैन आवर्स वर्कड वेर स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी, यानी 500 मैन आवर्स में से 200 मैन आवर्स ही काम किया है, तो बताओ क्या सारा का सारा लेबर चार्जेस कॉस्ट का पार्ट बनेगा क्या? नहीं, सिर्फ जो मशीन पे लगा बाईस होगा, हजार जो 400 आएगा सर, मशीन पे लगा है सिर्फ वही बनेगा। तो बताओ मशीन पे कितना लगा था? 22,400। 56,000 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 200, 22,400 रुपये सिर्फ वही कॉस्ट का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट, स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स कंज्यूम्ड इन इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन करने के लिए यूज किया हमने, तो क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा? हाँ हाँ बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, कितना है ये? 5,000। नेक्स्ट, टोटल सैलरी ऑफ सुपरवाइजर 26,000, टाइम स्पेंड फॉर इंस्टॉलेशन वाज 25% ऑफ द टोटल टाइम वर्क, यानी उसने इंस्टॉलेशन के लिए कितना समय दिया? 25%, तो उसका सैलरी पूरा का पूरा थोड़ी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, सिर्फ 25% बनेगा, दैट इज 6,500। 500, क्लियर है, यानी इसमें से 6,500 कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये पूरा बनेगा, इसमें से 22,400 बनेगा, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1/10 रिलेट्स टू द प्लांट इंस्टॉलेशन, तो जितना रिलेट है इंस्टॉलेशन से उतना ही होगा,
दैट मीन्स पूरा 34,000 नहीं, सिर्फ 3,400 कॉस्ट का पार्ट बनेगा। टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंस, टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 18,000, क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा? बनेगा सर। यस, क्योंकि इसके बिना तो पता ही नहीं चलेगा ना कि मशीन काम का है या नहीं है। कंसल्टेंसी चार्जेस टू द आर्किटेक्ट फॉर प्लांट सेटअप बनेगा। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन, एसेट इंस्टॉल करवाने के लिए हमने दूसरा एसेट यूज किया था, उसका डेप्रिसिएशन क्या कॉस्ट का पार्ट बनेगा? हाँ बनेगा, अच्छा बनेगा। द मशीन वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 15th of January बट वॉज यूज फ्रॉम 1st of February। ड्यू टू दिस डिले फर्दर एक्सपेंसिस ऑफ 8,900 वेर इनकर्ड। कैलकुलेट द वैल्यू एट विच द प्लांट शुड बी कैपिटलाइज्ड। बताइए क्या ये कॉस्ट का हिस्सा बनेगा क्या? no. नहीं बनेगा, क्योंकि इस दिन में हमारा तो वर्केबल कंडीशन में था ना, आप कभी भी यूज कर रहे हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, बाकी तो हमने बता ही दिया क्या क्या बनेगा। 40,000 कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो टोटल करके अपने को पता चल जाएगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इज इट क्लियर? ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आरटीपी का देख लिया जाए। मई 23 हो गया, एक अटेम्प्ट पीछे और जाते हैं नवंबर 22। नवंबर 22 आरएस लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ हैवी प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 2 crores। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट दैट इज द बॉयलर हैज बिकम ऑब्सोलीट विच वॉज एक्वायर्ड एट अ प्राइस ऑफ 50 lakh एंड रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट एज फर्दर मेंटेनेंस इज अनइकोनॉमिकल। द रिमाइंडर ऑफ द प्लांट इज परफेक्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर नेक्स्ट 8 years। द कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉयलर इज 60 lakh। कैन द कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉयलर बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट? इफ सो वट शुड बी द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? बताइए क्या बॉयलर को सेपरेट एसेट ट्रीट कर सकते हैं क्या? AS10 बोलता है ना, इफ आप कोई भी एसेट की कॉस्ट को सेपरेटली सिग्निफिकेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसको सेपरेट सेपरेट ट्रीट करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए था बोलो? प्लांट का वैल्यू है 2 करोड़, इसमें से 50 लाख अलग कर देगा। 50 लाख का बॉयलर एक बार का अलग कर देते हैं, क्योंकि आपसे सेकेंड ईयर के बाद व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ प्लांट पूछा है। टोटल बेसिस पे प्लांट का टोटल वैल्यू है 2 करोड़। अब इसमें से एक बॉयलर है 50 लाख का और बाकी अदर बांध ले। तो बाकी अदर हो जाएगा 1.5 crores। 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा पहले तो ये बताओ। लाइफ है 10 इयर्स, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन तो माइनस होगा ना, हाँ, कितना? तीस लाख इसका 30 लाख, बॉयलर का 10 लाख। इसका 30 लाख यानी 0.30 करोड़ और इसका 10 लाख, तो वैल्यू बचेगा 1.20 CR और इसका 40 लाख, राइट?
इज इट क्लियर? अब हम लोग को क्या करना है, बॉयलर को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है इसका मतलब डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले पहले तो पुराना वाला बॉयलर को डी रिकॉग्नाइज करेंगे। डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब बुक से हटा देंगे। तो हटाने के बाद हमारे पास वैल्यू ऑफ प्लांट कितना बच जाएगा, 2 करोड़ प्लांट का वैल्यू बचेगा डी रिकॉग्नाइज करने के बाद 1.20 करोड़, यानी 1 करोड़ 20 लाख का। अब नया बॉयलर परचेज किया, नया बॉयलर परचेज किया तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो गया, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। क्लियर है? सर हाँ, डेप्रिसिएशन में डाउट, क्या डाउट? ये जो 0.30 करोड़ और 10 लाख जो है ना, उसमें थोड़ा सा डाउट है। वापस से बताइए मैं वो चीज़ कैसे आया कैसे ये? डेप्रिसिएशन। हाँ कैसे आया, मतलब अबे लाइफ है 10 साल, एसेट का कॉस्ट है इतना, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, 1 साल का आया, तो हमें तो 2 साल का निकालना है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 50 लाख का यदि तुम्हारा बॉयलर का वैल्यू था तो 10 साल तुम यूज करने वाले थे, तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 5 लाख। तो 2 साल के लिए कितना डेप्रिशिएट किया, 10 लाख। ठीक ठीक समझ गया। और यहाँ पे 2 साल का इतना डेप्रिसिएशन, तो 2 साल के बाद इनका वैल्यू है इतना। अब बॉयलर को आप रिप्लेस कर रहे हो, तो पुराने वाले बॉयलर को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, तो हमारे लिए प्लांट का वैल्यू रह गया इतना। अब नया बॉयलर परचेज किया तो उसका वैल्यू था इतना, वो प्लांट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज 1 करोड़ 80 लाख। सर समझ गया अगर सर। इसमें आगे का डेप्रिसिएशन निकालने बोलता तो तो वही डिवाइडेड बाय मतलब एट उसको। करता, 1 करोड़ 80 लाख डिवाइडेड बाय एट। हाँ क्लियर यस सर है? तो दैट वाज एवरीथिंग फॉर AS10। स्टिल आई एम आस्किंग, यदि किसी का भी डाउट है तो आप लोग पूछ लो मेरे से AS10 का। नहीं भी है तो आप लोग अभी रिवाइज करना, स्टिल डाउट आए तब आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं रिजॉल्व कर दूंगा। इज इट क्लियर? आफ्टर सर्टेन टाइम और दूसरे AS को हम लोग रिवाइज करता है। AS10 इतना ही था, ठीक है? थैंक यू।